हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनली जीएस। आज इस वीडियो में हम स्पीडी वार्षिकांक में मार्च 2020 से लेकर 2 फरवरी 2021 तक के सभी जो भी वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मान पुरस्कार खेल संबंधी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन कम से कम 5000 के प्लस ही होंगे, 5000 से ज़्यादा हैं। और ये जो हाल ही में अभी पेपर जो चल रहे हैं, NTPC ग्रुप डी, RRB, रेलवे, SSC, इन सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन सभी बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1 मार्च 2020 को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किस कोच का निधन हो गया? तो ये जोगिंदर सिंह सैनी है। 1 मार्च 2020 को मलेशिया का प्रधानमंत्री कौन बना? महाउद्दीन यासीन। ये पूछा जा सकता है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने, क्योंकि ये एशिया महाद्वीप में मलेशिया है, इसलिए पूछा जा सकता है। तो ये आप याद रखिएगा, मलेशिया के प्रधानमंत्री महाउद्दीन यासीन बने हैं। 1 मार्च 2020 को 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ऋषिकेश के मुनि किरेती गंगा तट पर किया गया। मार्च 2020 को किस विषय के साथ शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया? तो ये जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्च 2020 को ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में प्रथम स्थान किसका रहा? तो ये चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी का, और दूसरा सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का। 2 मार्च 2020 को किस प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? तो ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित किया, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। 2 मार्च 2020 को विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस राइडर एक्स का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये पुणे में किया गया है। 2 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कोटा से किस अभियान की शुरुआत की? सुपोषित माँ अभियान की। ये भी आ सकता है कि जो भी अभियान चलाए जाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। 3 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के कारण भारतीय नौसेना ने किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास को स्थगित करने की घोषणा की? तो ये मिलन 20 है। मिलन 20 को स्थगित करने की घोषणा की है कोरोना वायरस के कारण। 3 मार्च 2020 को किस विषय के साथ विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया? तो ये सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ये इस थीम के साथ मनाया गया है विश्व वन्य जीव दिवस। कब? 3 मार्च 2020 को। 3 मार्च 2020 को हियरिंग फॉर लाइफ डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व श्रवण दिवस है, और थीम ये है, पूछी जा सकती है, तो ये आप देख लीजिएगा। 3 मार्च 2020 को घोषणा अनुसार किस प्रदेश की सरकार घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रतिमाह 900 रुपए देगी? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। यहाँ के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और यहाँ की जो राजधानी है वो लखनऊ है। 4 मार्च 2020 को 500 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये वेस्ट इंडीज के कप्तान कीरोड पोलार्ड बने हैं। ये भी पूछा जाता है कि 500 बना है जब कोई रिकॉर्ड बनता है, तो ये आप याद रखिएगा। 4 मार्च 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च 2020 को जारी सूचना के अनुसार 2021 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पुणे में किया जाएगा। 4 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार ने चमोली जिले के गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड की सरकार है। यहाँ की अब दो राजधानी होगी, देहरादून, और ये ग्रीष्मकालीन के लिए गैरसैंण और शीतकालीन के लिए देहरादून। 5 मार्च 2020 को सेबी ने निवेशकों की शिकायत संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये सेबी स्कोर्स है। 5 मार्च 2020 को इसरो ने तकनीकी कारणों से किस उपग्रह को लॉन्च किया? तो ये GIZ फर्स्ट अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। नेक्स्ट है, 5 मार्च 2020 को किस देश ने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए एक नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने किया है। 5 मार्च 2020 को पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये लग्जमबर्ग बना है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया गया है यहाँ पर।
5 मार्च 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो ये पीवी सिंधु हैं। 6 मार्च 2020 को नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये एमपी मध्य प्रदेश में किया गया था, नमस्ते ओरछा महोत्सव। 6 मार्च 2020 को किसे भूमि आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया गया? पश्चिम बंगाल के घोझम डोंगा और त्रिपुरा के अगरतला को। नेक्स्ट, 6 मार्च 2020 को की गई घोषणा के अनुसार आयुर्वेद मेडिकल टूरिज्म एक्चुलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी विषय के साथ चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये कोची केरल में किया जाएगा। 7 से 11 मार्च 2020 के बीच पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। नेक्स्ट है, 7 मार्च 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये जन औषधि दिवस। 7 मार्च 2020 को टाइम्स पत्रिका की 100 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में किसे शामिल किया गया? तो ये इंदिरा गांधी व राजकुमारी अमृत कौर, ये पूछा जा सकता है। 7 मार्च 2020 को अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? 83वां स्थान। 8 मार्च 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर माह में कहाँ होगा? तो ये कोलंबो श्रीलंका में, क्योंकि ये सितंबर माह में होगा। 8 मार्च हो चुका है ये कोलंबो में। 8 मार्च 2020 को विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी महिला व पुरुष कौन बन गई हैं? शेफाली वर्मा। 8 मार्च 2020 को 7वां आईसीसी महिला क्रिकेट टी20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने, और उपविजेता भारत हैं, तो भारत से संबंधित है तो पूछा जा सकता है। 8 मार्च 2020 को महिला दिवस के अवसर पर गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजी जाने वाली महिला कौन बनी? तो ये गायिका टेलर स्विफ्ट बनी है। 8 मार्च 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इसकी थीम क्या थी? एज फॉर इक्वल। 9 मार्च 2020 को बीपीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पीवी सिंधु को। 9 मार्च 2020 को 2 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड होने वाले किस स्वीडिश अभिनेता का निधन हो गया? तो ये मैक्स वॉन सिडो हैं। 10 मार्च 2020 को 7वां एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2017 से 2019 के लिए किसका चयन किया गया है? बी प्रवीण राव। तो ये पूछा जा सकता है, पुरस्कार है तो आप याद रखिएगा, 7वां एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार है ये, 17 से 19 के लिए दिया गया है, और किसे दिया गया है? बी प्रवीण राव को। 10 मार्च 2020 को सोलर रूफटॉप छत पर सोलर पैनल स्थापित करने में किस प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये गुजरात ने किया है। 10 मार्च 2020 को आई लीग का खिताब किसने जीता? तो ये मोहन बगान ने आइजोल एफसी को हराकर जीता है। 11 मार्च 2020 को जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा राज्य आगे है? तो आंध्र प्रदेश आगे है पोषण अभियान को लागू करने में। 11 मार्च 2020 को नासा ने मार्स 2020 रोवर का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की है? तो ये किए जाने की घोषणा की है। 12 मार्च 2020 को 34वीं राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये पंकज आडवाणी ने ईसप्रीत सिंह को हराकर। 12 मार्च 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 21 जून 2020 को 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया गया है? तो ये लेह लद्दाख में किया गया। 12 मार्च 2020 को नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुआ? तो ये हैदराबाद में हुआ। 12 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व किडनी दिवस। 13 मार्च 2020 को बीबीसी वर्ल्ड हिस्टरीज मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे महानतम नेता किसे चुना गया है? महाराजा रणजीत सिंह को। 13 मार्च 2020 को गूगल इंडिया ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये डीजी पीओट। 13 मार्च 2020 को SBI यस बैंक के कितने रुपए के शेयर खरीदने को तैयार हुआ? तो ये 7,200
50 करोड़ रुपए। एस बी आई यस बैंक के इतने रुपए खरीदने के लिए तैयार हुआ। 13 मार्च 2020 को रणजी ट्रॉफी 19-20 का खिताब किसने जीता? तो ये सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा कर जीता है। नेक्स्ट है, 14 मार्च 2020 को फोन पे ने UPI लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ICICI बैंक। 14 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनावों पर निगरानी रखने के लिए NIGHA निघा ऐप लॉन्च किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया चुनावों पर निगरानी के लिए। 15 मार्च 2020 को किसे वर्ष 2021 के लिए वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने के लिए चुना गया? तो ये टाइगर वुड्स हैं, अमेरिका के। 15 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को पर तिरंगा किसने फहराया? तो ये मध्य प्रदेश की भावना डेहरिया हैं। ये भारत की हैं इसलिए पूछा जा सकता है, और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। 15 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान मिला है? तो ये दूसरा स्थान मिला है। 15 मार्च 2020 को किस विषय या थीम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? तो द सस्टेनेबल कंज्यूमर। 15 मार्च 2020 को फतेह सिंह राठौर वाइल्ड लाइफ वॉरियर अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? रितेश सिरोठिया को। 16 मार्च 2020 को भारत के किस राज्य में पारंपरिक फूल देई त्यौहार शुरू हुआ? तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। 18 मार्च 2020 को इंडियन सुपर लीग के 6th सीजन का विजेता कौन बना? एटलेटिको डी कोलकाता चेन्नई को हरा कर बने हैं। 19 मार्च 2020 को उच्चतम न्यायालय के किस पूर्व प्रधान न्यायाधीश ने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ ली? रंजन गोगोई। 19 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की है? तो दिल्ली सरकार ने स्कीम पूछी जाती है इसलिए ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की है दिल्ली सरकार ने। और कब? 19 मार्च को। 19 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के आरक्षण को के आरक्षण खत्म कर दिया? तो ये उत्तराखंड की सरकार है, जिसमें पदोन्नति के कारण जो आरक्षण दिया जाता था वो खत्म कर दिया गया है। 20 मार्च 2020 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है पूछा जाता है, 144वां स्थान है भारत का। 21 मार्च 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया? तो ये फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, वन और जैव विविधता। 21 मार्च 2020 को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया। इस दिवस का 2020 का विषय क्या था, थीम क्या थी? वी डिसाइड। 23 मार्च 2020 को किस विषय के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया? जल और जलवायु परिवर्तन। 23 मार्च 2020 को COVID-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये पंजाब बना था। 24 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 का बहिष्कार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना था? कनाडा। 24 मार्च 2020 को राज्य ने COVID-19 का प्रसार रोकने हेतु गो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये किसने किया? ओडिशा के मुख्यमंत्री रवीन पटनायक ने किया है। 24 मार्च 2020 को तमिलनाडु का 38वां जिला किसे बनाने की घोषणा की गई? तो ये माई लादुथुराई को, ये तमिलनाडु का 38वां जिला बन गया है। 25 मार्च 2020 को भारत का पहला COVID-19 अस्पताल कहाँ खुला? मुंबई में। 25 मार्च 2020 को वर्ष 2020 का एविल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? हिलेल फुरस्टेनबर्ग, ये इसराइल के हैं, और ग्रेगरी मार गुलिस रूसी अमेरिकी हैं। 28 मार्च 2020 को किस विषय के साथ पूरे विश्व में 14वां अर्थ आवर मनाया गया? क्लाइमेट चेंज। 29 मार्च 2020 को महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के किस पूर्व सैनिक का निधन हो गया? चंदन सिंह राठौर। 30 मार्च 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 32वां ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा? 2021 में किया जाएगा।
1 अप्रैल 2020 को भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस नाम से पोर्टल शुरू किया गया है? तो ये स्ट्रेडेड इन इंडिया। 1 अप्रैल 2020 को भारत की पहली कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये फोन पे पे। 1 अप्रैल 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंकों बनाए जाने का प्रस्ताव प्रभावी हो गया? तो ये 10। 10 बैंक का विलय करके अब इससे 4 बैंक बनाए जाएंगे। 2 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया? तो ये द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। 4 अप्रैल 2020 को 19वें एशियाई खेल 2020 के लिए शुभंकर के रूप में चुने गए द स्मार्ट ट्रिपल 3 रोबोट को क्या नाम दिया गया है? ये कांगकोंग, लियान, लियन और चेन चेन। 5 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया? तो सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट। 5 अप्रैल 2020 को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। 7 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। 7 अप्रैल 2020 को दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस नाम से 5 चरणीय योजना का शुभारंभ किया? 5T प्लान। 8 अप्रैल 2020 को घोषित वर्ष 2020 के लिए विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के तहत लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया? इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को। 8 अप्रैल 2020 को वर्ष 2020 के लिए विजडन विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिस पेरी को। 9 अप्रैल 2020 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी अमीर लोगों की सूची में शीर्ष पर किसे स्थान दिया गया? तो ये जेफ बेजोस हैं। 9 अप्रैल 2020 को कोरोना के विरुद्ध ऑपरेशन शील्ड चलाने की घोषणा किसने की? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। 10 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया? सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी का बढ़ता दायरा। तो ये पूछा जा सकता है, होम्योपैथी जो भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है बायोलॉजी से, वो इस बार जरूर पूछे जाएंगे। 12 अप्रैल 2020 को किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को कोविड-19 प्रकोप से अलग रखने हेतु देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। 12 अप्रैल 2020 को कोविड-19 रोगियों के इलाज हेतु एलोपैथी व आयुर्वेद को एकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना? गोवा। 13 अप्रैल 2020 को BSNL ने किस नाम से भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इंस्टा पे। 13 अप्रैल 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? सियाचिन दिवस। 14 अप्रैल 2020 को किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की? ये पर्यटन मंत्रालय ने की। 15 अप्रैल 2020 को 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला विश्व का सार्वजनिक तेज ऐप कौन बना? आरोग्य सेतु ऐप। 16 अप्रैल 2020 को की गई घोषणा के अनुसार एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी किसे मिला? ये भारत को। 16 अप्रैल 2020 को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा है। 17 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया? तो ये गेट प्लस इन्वॉल्व। 18 अप्रैल 2020 को वर्ल्ड वाइड फंड WWF का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो ये विश्वनाथन आनंद। 18 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में कोविड-19 प्रकोप के कारण इंटरनेट के माध्यम से कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व धरोहर दिवस। अप्रैल 2020 को गूगल ने नेत्रहीनों के लिए किस नाम से कीबोर्ड विकसित किया है? ये टॉक पैक। 19 अप्रैल 2020 को सामुदायिक रसोई
को जियो टैग करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। 20 अप्रैल 2020 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 142वां। 22 अप्रैल 2020 को फेसबुक ने जियो में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने रुपए निवेश करने का करार किया है? ये 43,574 करोड़ रुपए। 22 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ पृथ्वी दिवस मनाया गया ये पूछा जा सकता है? क्लाइमेट एक्शन पृथ्वी दिवस, और ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 23 अप्रैल 2020 को दुनिया में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 23 अप्रैल 2020 को यूनेस्को द्वारा किस विश्व पुस्तक राजधानी 2020 नामित किया गया? किसे नामित किया गया? तो ये मलेशिया की राजधानी कुआलालमपुर। 23 अप्रैल 2020 को वर्चुअल कोर्ट की इन हाउस सुविधा का वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश बना है। 23 अप्रैल 2020 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? पीवी सिंधु को। 23 अप्रैल 2020 को कहाँ में खोम जोम दिवस मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। 24 अप्रैल 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो पंचायती राज दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल 2020 को किस देश ने नाबालिगों के लिए मौत की सजा खत्म कर दी है? तो ये सऊदी अरब ने कर दी है। इम्पॉर्टेंट है, देश के नाबालिगों के लिए मौत की सजा खत्म कर दी गई है। 25 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया? जीरो मलेरिया की शुरुआत मेरे साथ, और ये कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल 2020 को किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर का सफल प्रक्षेपण किया? तो ये ईरान ने किया है। 27 अप्रैल 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो तीसरा मिला है। 27-28 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामा पीटरबर्ग जलवायु संवाद किसकी मेजबानी में आयोजित किया गया? तो ये जर्मनी में। 29 अप्रैल 2020 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 29 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ AIBA ने भारत को दिए गए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी को रद्द कर किसको दे दिया? तो ये अब सर्बिया में आयोजित होगा। 30 अप्रैल 2020 को किस राज्य की सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की? तो ये मध्य प्रदेश में की है, जीवन अमृत योजना। 1 मई 2020 को किन राज्यों ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? तो महाराष्ट्र और गुजरात ने। 1 मई 2020 को G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? सऊदी अरब। 1 मई 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो ये प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप हैं। 1 मई 2020 को दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ? तो ये रामायण धारावाहिक है, और ये क्या हुआ है? दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम यानी धारावाहिक बन गया है, और ये विश्व रिकॉर्ड बना है, इसलिए पूछा जा सकता है रामायण। 2 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने की है। 2 मई 2020 को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मणिपुर के डॉक्टर हैं थोंग जाम थवाली सिंह को। 3 मई 2020 को असम सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए कितनी राशि के बीमा कवर की घोषणा की है? 50 लाख रुपए। 3 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये जर्नलिज्म विथाउट फेयर और फेवर। 3 मई 2020 को जर्मनी ने कहां के आतंकी संगठन हिजबुल्ला पर प्रतिबंध लगाया? तो ये लेबनान के हैं। 3 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हास्य दिवस, हंसने के लिए। 3 मई विश्व हास्य दिवस। 4 मई 2020 को ऑनलाइन आयोजित नाम शिखर सम्मेलन का मुख्य थीम क्या था? यूनाइटेड अगेंस्ट
कोविड-19। 5 मई 2020 को आयोजित विश्व स्वच्छता दिवस 2020 का विषय यानी थीम क्या थी? सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड्स। 5 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया? तो ये इनो अस्थमा डेथ्स। 5 मई 2020 को रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से किसे सम्मानित किया गया था? ये उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को। 6 मई 2020 को घोषित पुलित्जर पुरस्कार 2020 के तहत फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में भारत के किन तीन फोटोग्राफरों को यह पुरस्कार दिया गया? तो ये डार याचिन है, मुख्तार खान है और चन्नी आनंद है। ये पूछा जा सकता है, पुरस्कार है, इम्पोर्टेंट है, चन्नी आनंद, मुख्तार खान, डार यासीन और ये कौन सा पुरस्कार है? पुलित्जर पुरस्कार 2020। और ये फोटोग्राफी किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी याद रखना है। तो ये फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। 6 मई 2020 को भारतीय सेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन समुद्र सेतु। 7 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना की महामारी से सुरक्षा के लिए आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया था? ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। 7 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई 2020 को ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये अब तोमन कर दिया गया है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि मुद्रा है तो अब ये तोमन कर दिया गया है और 1 तोमन बराबर 10,000 रियाल के बराबर होगा। ये भी याद रखिएगा, रियाल को तोमन कर दिया गया है और 1 तोमन बराबर 10,000 रियाल, रियाल अब छोटा हो गया है। 8 मई 2020 को किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पर तेल अवीव की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट कर दिया है? तो ये इसराइल में है, इसराइल देश ने किया है ये रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन पर तेल अवीव की एक सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। 11 मई 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई 2020 को ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का खिताब किसने जीता? चाइना ने। 12 मई 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया? तो ये नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ पूछा जा सकता है, इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट है। 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई 2020 को फिड कप हर्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को। 13 मई 2020 को कोविड-19 से लड़ने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने भारत को कितने बिलियन का ऋण दिया? तो ये $2 बिलियन का ऋण दिया है, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिया है भारत को, जहाँ जहाँ से ऋण मिलते हैं और कितने ऋण मिलते हैं ये भी पूछा जाता है। 13 मई 2020 को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसे चुना गया है? तो ये बेंगलुरु का कैंपे गौड़ा है। 14 मई 2020 को भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया? आरोग्य सेतु ऐप। 14 मई 2020 को किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। 14 मई 2020 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बी विद्यापति हैं। 16 मई 2020 को स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो ये स्लोवेनिया है जो कोरोना मुक्त घोषित कर चुका है अपने आप को। 16 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई 2020 का किस विषय के साथ विश्व दूर संचार दिवस मनाया गया? तो यहाँ पर ये लिखा है कनेक्ट 2030 ICTs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया गया? मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लाइफ लॉन्गर। 18 मई 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया? तो ये म्यूजियम फॉर इक्वेलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसन। 19 मई 2020 को नेपाल सरकार द्वारा जारी अपने नए मानचित्र में भारत के किन क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया? तो ये कौन कौन से क्षेत्र हैं जो नेपाल सरकार ने अपने हिस्से में शामिल किए हैं अपने मैप में? लिपुलेख, काला पानी
और लिपि लिपिया धुरा, ये इतने टोटल 395 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। 19 मई 2020 को कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन बना? तो ये बना फुटबॉल लीग। 20 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में किस विषय के साथ तीसरा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया? सेव द बीज। ये कब मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है? 20 मई को। 20 मई 2020 को वीडियो के जरिए KYC नो योर कस्टमर स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? कोटक महिंद्रा बैंक। 20 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया? ये मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया। 20 मई 2020 को रेलवे के किस जोन ने मरीजों के लिए रेल वोट रोबोट विकसित किया है? तो ये दक्षिण मध्य रेलवे ने। 21 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। 21 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहल पर पहली बार कौन सा दिवस मनाया? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 22 मई 2020 को PPE किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बना? तो भारत बना दूसरा और सबसे पहला है चाइना। 22 मई 2020 को खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? मिजोरम। 23 मई 2020 को विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो ये आभास झा को। 23 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? कछुआ दिवस, कछुआ। 24 मई 2020 को कहां में स्थित पूहून ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया? तो ये हवाई है, हवाई ज्वालामुखी। 25 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व थायराइड दिवस। 26 मई 2020 को समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश कौन बना? तो ये कोस्टा रिका बना। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला और पहला बना है मध्य अमेरिकी देश। 26 मई 2020 को किस ब्रिटिश लेखिका ने अपनी नई बाल पुस्तक द इकाबाग का इंटरनेट संस्करण जारी किया? तो ये जे के रॉलिंग है। 27 मई 2020 को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? मेजर सुमन गवनी। 27 मई 2020 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा किस नाम से एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो ये कैचअप है, फेसबुक के द्वारा जारी किया गया है ये। 27 मई 2020 को किस भारतीय वैज्ञानिक को इन्वेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजीव जोशी। 30 मई 2020 को विश्व डोपिंग निरोधी एजेंसी वाडा ने किस भारतीय धाविका पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो ये किरणजीत कौर है। 30 मई 2020 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। 31 मई 2020 को फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? रोजर फेडरर है। 1 जून 2020 को पीएम मोदी ने छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस योजना को मंजूरी दी? पीएम स्वनिधि योजना को। 1 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया? तो ये 12th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून 2020 को किस राज्य ने छठा स्थापना दिवस मनाया? तो ये तेलंगाना। 2 जून 2020 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अरुण सिंघल को, ये पूछा जा सकता है, अरुण सिंघल को चुना गया है। 2 जून 2020 को केरल की पहली महिला DGP कौन नियुक्त की गई है? तो आर श्री लेखा। 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर। 4 जून 2020 को वाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? कृष्णेंदु मजुमदार को। 4 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो ये पंजाब सरकार ने किया है। 5 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। 5 जून 2020 को वर्ष 2022 के महिला एशियाई कप की मेजबानी किसे देने की घोषणा की गई?
तो ये भारत को महिला एशियाई कप 2022 भारत में आयोजित किया जाएगा। 5 जून 2020 को ट्विटर के नए बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये पैट्रिक पिचेट हैं। 5 जून 2020 को विश्व व्यापार संगठन WHO ने में भारत का नया राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया, ब्रजेंद्र नवनीत हैं। 6 जून 2020 को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, केरल। 7 जून 2020 को वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बना, तो ये ओडिशा का राज्यगान है, वंदे उत्कल जननी। 8 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व महासागर दिवस मनाया गया, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। 8 जून 2020 को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने, गीतकार जावेद अख्तर। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये प्रथम बने हैं, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। 8 जून 2020 को प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, तो ये हरियाणा सरकार ने की है। 8 जून 2020 को कोरोना लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए UNDAP की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये एम नेत्रा को किया गया है। 9 जून 2020 को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 खिताब किसने जीता, किरण एम सोनी। 9 जून 2020 को प्रवासी श्रमिकों के लिए राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया, तो ये राजस्थान की सरकार ने किया। 9 जून 2020 को उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया गया, गैरसैंण को, और जो शीतकालीन है वो है देहरादून। 9 जून 2020 को अमेरिकी सेना में किस अश्वेत को पहली बार वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया, चार्ल्स ब्राउन जूनियर को। 10 जून 2020 को नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया, रंजीत कुमार को। 10 जून 2020 को गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक कौन बने हैं, अनिल वल्लूरी। 10 जून 2020 को की गई घोषणा के अनुसार मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश कौन बनेगा, तो ये सऊदी अरब बनेगा, पहला अरब देश है इसलिए इम्पोर्टेंट है मंगल मिशन लॉन्च करने वाला। 10 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये कर्नाटक सरकार। 11 जून 2020 को किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा की गई, वैज्ञानिक रतनलाल। 11 जून 2020 को इंटरनेट वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने किस भारतीय वेटलिफ्टर को डोपिंग आरोप से मुक्त कर दिया है, तो ये संजीता चानू है। 12 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया, तो ये विषय है COVID-19 प्रोटेक्शन चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन इवर। 12 जून 2020 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 19-20 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो गुजरात है। 12 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जारी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2020 में पहले स्थान पर कौन बना है, तो ये IIT मद्रास है, उच्च संस्थानों के लिए जारी किया गया है ये। 12 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। 13 जून 2020 को छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, ओडिशा। 13 जून 2020 को किस राज्य की सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है बाल श्रमिक विद्या योजना। 13 जून 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय एल्विनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, मैड टू साइन। 14 जून 2020 को किस थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, तो ये सुरक्षित रक्त बचाएं जीवन, सेल्फ सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। 15 जून 2020 को UTI म्यूचुअल फंड का नया CEO कौन बना है, तो ये इम्तियाजुर रहमान बने हैं।
15 जून 2020 को मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? कैथरीन डी सुलविन सुलिवन बनी है। नेक्स्ट है, 15 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? वर्ल्ड विंग डे। 15 जून 2020 को लद्दाख के किस क्षेत्र में चीनी सेना के साथ संघर्ष में 20 जवान शहीद हो गए? तो ये गलवान घाटी है। 15 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच के लिए घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो पंजाब की सरकार। 15 जून 2020 को किस बैंक ने सैलरी खातों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक सुविधा शुरू की? आईसीआईसीआई बैंक ने। 15 जून 2020 को नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? कैथी ल्यूडर्स। 16 जून 2020 को किस रेलवे स्टेशन ने यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया? तो ये पूरे रेलवे स्टेशन पर ये रोबोट वहां का स्क्रीनिंग कर रहा था, थर्मल स्क्रीनिंग। 16 जून 2020 को अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन बनी? अनमोल नौरंग। 16 जून 2020 को एमएसएमईज के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा किसने शुरू की? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। 17 जून 2020 को शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये अजरबैजान के शेख रियार मामे दिरोव ने। 17 जून 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। 17 जून 2020 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया गया? तो ये फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। 18 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? ऑटिस्टिक प्राइड डे। 18 जून 2020 को चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी किसे मिला? ये बहरीन को मिला है। 20 जून 2020 को प्रवासी मजदूरों के लिए आजीविका के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि बिहार के खगड़िया जिले में तेलिहार गाँव से किया। 21 जून 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो घर पर योग परिवार के साथ योग, ये थीम है, याद रखिएगा। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और ये थीम है घर पर योग परिवार के साथ योग। 23 जून 2020 को किसने कोविड-19 इलाज के लिए कोरोनिल नामक पहली आयुर्वेदिक दवा की पेशकश की? तो ये पतंजलि आयुर्वेद ने किया था। 23 जून 2020 को किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? तो ये जापान ने किया था। 23 जून 2020 को वर्ष 2020 का जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अमर्त सेन को। 23 जून 2020 को भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू हुआ? अमेरिका के लॉस एंजेलिस में। 24 जून 2020 को WWF के किस चैंपियन ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये अंडरटेकर ने इससे घोषणा की है संन्यास लेने के लिए WWF के चैंपियन से। 25 जून 2020 को हुई घोषणा के अनुसार वर्ष 1920 के का किलोस्कर संगीत पुरस्कार किसे दिया जाएगा? मधुवंती दौंडेकर को। ये भी पुरस्कार पूछे जाते रहते हैं जो कम भी फेमस होते हैं। 25 जून 2020 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई थी? श्री कृष्ण मंदिर। 25 जून 2020 को किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना की शुरुआत की? तो ये त्रिपुरा सरकार ने की है, छात्रों के लिए है इसलिए पूछा जा सकता है। 25 जून 2020 को पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना? लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी को हराकर बनी। 25 जून 2020 को फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी किसे दिया गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से। 25 जून 2020 को ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? हिमाचल प्रदेश को। 26 जून 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया गया? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर
27 जून 2020 को 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर सूची में किसे शामिल किया गया? तो ये प्रियंका चोपड़ा एवं अनुराग कश्यप को। 27 जून 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में जमा धन जमा करने के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 77वें स्थान पर रहा है। 28 जून 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार नासा मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का ऐलान किया गया है? तो ये मैरी डब्ल्यू जू जैक्सन के नाम पर नासा मुख्यालय का नाम रखा जाएगा। 28 जून 2020 को मेरी लबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो ये इंग्लैंड की पूर्व कप्तान क्लेयर कोनोर। 29 जून 2020 को ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना? भारत। 29 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना को लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र की सरकार ने। 29 जून 2020 को पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? विनी महाजन। 30 जून 2020 को किसे बेट पुरस्कार 2020 में मानवावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पॉप स्टार बियॉन्से हैं। 30 जून 2020 को भारत का पहला कवक पार्क कहाँ बना है? उत्तराखंड में बना है। कौन सा पार्क? कवक पार्क बना है। 30 जून 2020 को सरकार ने देश में चल रहे कितने चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? ये पूछा जा रहा है कि कितने ऐप पे सरकार ने प्रतिबंध लगाए, तो ये आप ध्यान रखिएगा 59 पहली बार में लगाए थे। 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। 1 जुलाई 2020 को किसे प्रथम पीसी महाल नोविस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को। 1 जुलाई 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बनेगा? दिल्ली में बनेगा। 1 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया? तो ये लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। 1 जुलाई 2020 को किस राज्य की सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की? तो ये एमपी मध्य प्रदेश की सरकार ने। 2 जुलाई 2020 को 21वीं सदी के भारत के सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी के ये सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट, 2 जुलाई 2020 को पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी? तो ये निगार जौहर बनी है। 2 जुलाई 2020 को किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये HDFC बैंक ने किया है। 2 जुलाई 2020 को शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद ICC का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये इमरान ख्वाजा को। 3 जुलाई 2020 को कोविड-19 महामारी रोकने के लिए किए गए प्रयासों के लिए किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स से सम्मानित किया गया? सिद्धार्थ मुखर्जी एवं प्रोफेसर राज चिट्टी को। 3 जुलाई 2020 को विश्व बैंक ने MSME के लिए कितने डॉलर MSME इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? 750 मिलियन डॉलर। 3 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने समूचे नागालैंड को अगले कितने माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया? तो ये 6 माह के लिए घोषित किया था। 3 जुलाई 2020 को जर्मनी में PSD बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? सुमित नागल ने डेनियल मसूर को हरा कर जीता। 4 जुलाई 2020 को राष्ट्रपति चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद व्लादिमीर पुतिन अब कब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं? तो ये 2036 तक रह सकते हैं। 4 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? धर्म चक्र दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। 4 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र के किस मुहिम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया? यहाँ पर ये कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन #, कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। 5 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया? तो ये दिल्ली सरकार ने किया। 5 जुलाई 2020 को द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता? भारत की फ्रिया डक रॉल ने जीता। 5 जुलाई 2020 को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का क्या नाम है? तो एलिमेंट्स। 5 जुलाई 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 बेड वाला कोविड
केयर सेंटर कहाँ शुरू किया गया? तो ये दिल्ली के छतरपुर में किया गया। 5 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस की कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? तो ये 40 है टोटल। 5 जुलाई 2020 को वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 में शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय कौन बने? लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू। 6 जुलाई 2020 को भारत में कॉमन सर्विस सेंटर CSS की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी? तो ये जोया खान बनी है, गुजरात के वडोदरा जिले में। 6 जुलाई 2020 को जारी, गुजरात के वडोदरा जिले की हैं ये। 6 जुलाई 2020 को जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है, ये पूछा जा सकता है। तो ये 117वां स्थान भारत का रहा है। 7 जुलाई 2020 को किस देश ने जासूसी उपग्रह OFAC-16 का सफल प्रक्षेपण किया? तो ये इसराइल ने किया है। 7 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व चॉकलेट दिवस है। 7 जुलाई 2020 को हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। 7 जुलाई 2020 को भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? जी आकाश। 8 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए निक्कर सम्मान योजना शुरू की है? ये निक्कर सम्मान योजना इम्पोर्टेंट है, तो ये कर्नाटक की सरकार ने की है, बुनकरों के लिए किया है ये। 8 जुलाई 2020 को किस बैंक ने लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकेंड्स सेवा शुरू की है? तो ये एस बैंक ने, ये पहले ही तुरंत अप्रूवल दे दिया जाएगा आप लोन के लिए, लोन इन सेकेंड्स। 8 जुलाई 2020 को वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 34वां, और 2018 में 35वां स्थान था इसका। तो याद रखिएगा वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक। 8 जुलाई 2020 को पश्चिम बंगाल सरकार ने दस्तावेज को स्कैन करने के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया? तो ये सेल्फ स्कैन। 9 जुलाई 2020 को किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की थी? तो ये अमेरिका ने किया था। 9 जुलाई 2020 को गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया? तो गूगल करंट के नाम से। 9 जुलाई 2020 को भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा किसे दिया गया? तो ये हिमालयी तितली गोल्डन बर्ड विंग को दिया गया। 10 जुलाई 2020 को हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 10 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन दिवस। 10 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने चीनी सामान का इस्तेमाल ना करने की घोषणा की? तो ये उत्तराखंड की सरकार ने किया था। 11 जुलाई 2020 को किस पुलिस थाने को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला? तो हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाना को। 11 जुलाई 2020 को भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है? तो ये ब्रिटेन है। 11 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दुबे प्रकरण की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया? तो न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, ये नहीं पूछेगा कि किसकी जांच में विकास दुबे के लिए गठित किया गया। 13 जुलाई 2020 को अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये भारतीय मूल के पराग चिट निस हैं। 13 जुलाई 2020 को स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। 13 जुलाई 2020 को किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई? तो ई लोक अदालत पहली है, छत्तीसगढ़ में हुई है, ये याद रखिएगा। 13 जुलाई 2020 को कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? रूस। 14 जुलाई 2020 को वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो ये इसरो के प्रमुख के सिवन को चुना गया है। 14 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने रोको टोको कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, 14 जुलाई 2020 को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ देखा गया? तो ये असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। 14 जुलाई 2020 को किस राज्य के एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया?
ये छत्तीसगढ़ सरकार को किया गया है। 15 जुलाई 2020 को किसने अपना 39वां स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? तो ये नाबार्ड के द्वारा किया गया था, क्योंकि ये अपना 39वां दिवस चिन्हित करने के लिए किया। 15 जुलाई 2020 को किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? सचिन अवस्थी को। 15 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ विश्व युवा कौशल मनाया गया? तो ये स्किल फॉर अ रेजिलिएंट यूथ के लिए, यूथ ये थीम है इसकी। 16 जुलाई 2020 को मोहन बगान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये गुरु बख्श सिंह हैं हॉकी के, और पलाश नंदी हैं क्रिकेटर, इन दोनों लोगों को दिया गया है। 16 जुलाई 2020 को कोविड-19 के बीच भारत की पहली संपर्क रहित पार्किंग किस एयरपोर्ट ने शुरू की है? तो ये हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 16 जुलाई 2020 को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वेद प्रकाश इदुजा को। 17 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सर्प दिवस। 17 जुलाई 2020 को गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये 7.73% खरीदी है। 18 जुलाई 2020 के गैबान, मध्य अफ्रीकी देश है ये, कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ओसुका रैपुंडा, ये पहली महिला प्रधानमंत्री है इसलिए पूछा जा सकता है। 18 जुलाई 2020 को स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा 1920 का खिताब किसने जीता? रियल मैड्रिड ने, और उप विजेता कौन रहे हैं? विलारियल। 18 जुलाई 2020 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त की गई हैं? प्रियंका चोपड़ा। 18 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 19 जुलाई 2020 को कहाँ में स्मृति वन का उद्घाटन हुआ है? तो ये अस्थल गांव है देहरादून में। 20 जुलाई 2020 को चेस फॉर रिकवरिंग बेटर विषय के साथ दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। 20 जुलाई 2020 को किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया? संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने। भारत 20 जुलाई 2020 को नौसेना का पासेक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हिंद महासागर में संपन्न हुआ? तो ये पासेक्स भारत और अमेरिका के मध्य होता है। 21 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना शुरू किया है? तो दिल्ली की सरकार ने किया था। 21 जुलाई 2020 को भारत का पहला सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में। 21 जुलाई 2020 को माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो ये तारा जून विंच को पुस्तक द यील्ड के लिए किया गया, और ये पुरस्कार पुस्तक के लिए दिया जाता है। 22 जुलाई 2020 को DRDO ने सेना को LAC पर निगरानी हेतु किस नाम का ड्रोन उपलब्ध कराया है? तो ये भारत नाम का ड्रोन है। 22 जुलाई 2020 को किसे इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी SAP SAP का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये कुलमीत बावा हैं। 23 जुलाई 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई 2020 को किस अभिनेता ने श्रमिकों की मदद हेतु प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है? तो ये सोनू सूद थे जिन्होंने ये प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया। 23 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? तो ये उत्तराखंड की सरकार ने किया है। 24 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया सदस्य कौन बना है? तो ये नया सदस्य है इसलिए इम्पोर्टेंट है, निकारागुआ। 24 जुलाई 2020 को केरल का महाप्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये मंजरी में किया गया है। 24 जुलाई 2020 को किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। 24 जुलाई 2020 को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? आलोक मिश्रा को। 25 जुलाई 2020 को किस देश ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अपना पहला यान तियान वेन फर्स्ट को प्रक्षेपित किया है? तो ये चाइना ने किया है। 26 जुलाई 2020 को किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकेंड का प्रक्षेपण किया? तो ये दक्षिण कोरिया का उपग्रह है।
26 जुलाई 2020 को किसे गुल वेन कियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ग्रेटा थुनबर्ग। 26 जुलाई 2020 को किस श्रीलंकाई महिला क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? श्री पाली विरक्कोडी। 27 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के किस नर्स को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कला नारायण सामी को। 27 जुलाई 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस देश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की मेजबानी मिली है? तो ये हरियाणा को मिली है। 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 42वां स्थापना दिवस है। 27 जुलाई 2020 को किस संस्थान ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए वेली बैंड नामक डिवाइस विकसित किया है? तो ये IIM कोझिकोड ने। 28 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। 28 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया? तो ये हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर के नाम, ये थीम थी इसकी। इस दिवस मनाया गया कब? 28 जुलाई को, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई 2020 को रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो ये चीन है। 29 जुलाई 2020 को फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? अंबाला एयरबेस पर। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये शिक्षा मंत्रालय हो गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर। 29 जुलाई 2020 को इलेक्ट्रिक वोट्स और वोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड किसने जीता? भारत की पहली ऊर्जा संचालित नौका आदित्य को ये दिया गया है। 29 जुलाई 2020 को किस खिलाड़ी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 1920 में सीजन का गोल्डन बूट अवार्ड जीता है? तो ये जेमी वार्डी ने जीता है। 30 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। 30 जुलाई 2020 को किस भारतीय मूल की महिला को UN चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है? तो ये अर्चना सोरिंग हैं। 30 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ मानव तस्करी के खिलाफ विषय विश्व दिवस मनाया गया? तो ये कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू इंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 30 जुलाई 2020 को ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश ने की? तो ये ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता जो कि ये रूस के द्वारा की गई है। 31 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो ये प्रीतम सिंह है। 31 जुलाई 2020 को घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये एन शिव रामन को। 31 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड के लिए चुना गया है? तो ये प्रेम सिक्का को चुना गया है। 31 जुलाई 2020 को खेल मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति की घोषणा की? ये मुकुंद कम शर्मा है। 31 जुलाई 2020 को किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए बहुत जरूरी है नामक अभियान शुरू किया है? तो ये भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किया है। 1 अगस्त 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो आंध्र प्रदेश। 3 राजधानी विशाखापत्तनम, अमरावती और कुरनूल है। 1 अगस्त 2020 को स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया? जनजातीय कार्यालय मंत्रालय को। 1 से 7 अगस्त 2020 के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 किस विषय के साथ मनाया गया? तो ये सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर, ये इसकी थीम है। 2 अगस्त 2020 को किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। 2 अगस्त 2020 को उत्तर रेलवे ने दिल्ली से दक्षिण दिल्ली से भारत के किस राज्य में पहली व्यापार माला एक्सप्रेस चलाई? तो ये त्रिपुरा ने चलाई है। नेक्स्ट है, 3 अगस्त 2020 को फार्मूला 1 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने मैक्स वर्स्टापेन को हरा कर जीता है ये। 4 अगस्त 2020 को राजस्थान सरकार ने न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 1% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अब ये 5% कर दिया गया है।
4 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें आरक्षित होंगी? ये 50%, 50%। 4 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने चीन से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तराखंड है। 5 अगस्त 2020 को जर्मनी के बेनेडिकट होवेडेस ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फुटबॉल से घोषणा की है संन्यास लेने की। 5 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा? तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बनाया जाएगा हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। 5 अगस्त 2020 को अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना? संयुक्त अरब अमीरात। 6 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का 213 लगाने वाले कौन बने हैं? ये इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन बने हैं। 7 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया गया है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। 7 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हथकरघा दिवस मनाया गया। 9 अगस्त 2020 को किस पूर्व भारतीय फुटबॉलर का 39 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये मनी तोम्बी सिंह हैं। 9 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने वनवासियों के स्वरोजगार और उनकी समृद्धि हेतु इंदिरा वन मिशन योजना की शुरुआत की है? तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है इसे, इंदिरा वन मिशन योजना। 9 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोजित रिएक्टर संगठन JTER के सत्र का आयोजन किस देश में किया गया? फ्रांस में किया गया है। 10 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने किया है। 10 अगस्त 2020 को PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया MD तथा CEO कौन बने हैं? तो ये हरदयाल प्रसाद बने हैं। 10 अगस्त 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार T20 वर्ल्ड कप 2021 टूर्नामेंट किस देश में खेला जाएगा? तो 2021 में ये T20 वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा। नेक्स्ट, 11 अगस्त 2020 को किस देश ने अपने समुद्र तट पर जापान के जहाज से तेल रिसाव के बाद पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की थी? तो ये मॉरिशस ने किया था। 11 अगस्त 2020 को किसने ग्रैंड प्री की 17वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित रेस में खिताब अपने नाम किया? मैक्स वर्स्टैपेन ने ये खिताब अपने नाम किया है। 12 अगस्त 2020 को एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACI अवार्ड 2019 किसे दिया गया? तो ये नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को दिया गया है। 12 अगस्त 2020 को किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड POS डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये पेटीएम ने लॉन्च किया है। 12 अगस्त 2020 को कैपिटल इंडिया फाइनेंस CIF का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हर्ष कुमार को। 12 अगस्त 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ये इसकी थीम है, पूछी जा सकती है। 13 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व अंगदान दिवस। 13 अगस्त 2020 को RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? तो ये पॉजिटिव पे। 13 अगस्त 2020 को ट्रैफिक सिग्नल पर महिला का चिन्ह फीमेल सिंबल लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो ये मुंबई है। 14 अगस्त 2020 को रामनाथ कोविंद ने किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया? हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है 2020 का। 15 अगस्त 2020 को देश भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये 74वां स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 2020 को किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली Arrow 2 का सफल परीक्षण किया है? तो ये इसराइल ने किया है। 15 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कहाँ की जाएगी? कर्नाटक में। 15 अगस्त 2020 को भारत के किन दो खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का फैसला लिया है? महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। 15 अगस्त 2020 को समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए कहां पर एक प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो ये पोरबंदर में शुरू की गई है समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए। 17 अगस्त 2020 को दुनिया भर में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना की घोषणा की है?
वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। 17 अगस्त 2020 को किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए सौर्य किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। 17 अगस्त 2020 को कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? तो ये सुशांत सिंह राजपूत थे। 17 अगस्त 2020 को किस देश ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए। 18 अगस्त 2020 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX ने किस नाम से भारत का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये बुलटेक्स, ये भारत का पहला बुलियन इंडेक्स है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बुलटेक्स। 18 अगस्त 2020 को वर्ष 2020 के लिए अटल नवाचार संस्थानों की रैंकिंग में किसने पहला स्थान प्राप्त किया? IIT मद्रास। 19 अगस्त 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व फोटोग्राफी दिवस। 20 अगस्त 2020 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, दूसरा सूरत तथा तीसरा नवी मुंबई। 20 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? सद्भावना दिवस, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती के अवसर पर। 20 अगस्त 2020 को IT कंपनी गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? तो ये कोरमो जॉब्स ऐप है। 20 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन हेतु कितने राशि की मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी है इतने करोड़ रुपए की। 20 अगस्त 2020 को किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने के लिए LVB डिजिगो का शुभारंभ किया है? तो ये लक्ष्मी विलास बैंक ने किया है। 21 अगस्त 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। 22 अगस्त 2020 को विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड की रानी ओसु लिवान ने। 22 अगस्त 2020 को संपूर्ण विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? अर्थ ओवर सूट डे। 23 अगस्त 2020 को UEFA चैंपियन लीग 1920 का खिताब किसने जीता? जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिक ने जीता है ये। 23 अगस्त 2020 को कहां में मिलिट्री एंड टेक्निक फोरम में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया? तो ये रूस में किया गया है। 24 अगस्त 2020 को कहां पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा रोपवे का उद्घाटन किया गया? तो ये असम में किया गया है। 24 अगस्त 2020 को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किसने जीता? इंडिया एयरफोर्स के विंग कमांडर गजानंद यादव ने। 24 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? जैक्स कैलिक, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, जहीर अब्बास पाकिस्तान के और लिसा स्टालेकर ऑस्ट्रेलिया के। 24 अगस्त 2020 को किस बैंक ने नौकरी देने के लिए गिग ए अपॉर्चुनिटीज मुहिम की शुरुआत की है? तो ये एक्सिस बैंक ने शुरू किया है। 25 अगस्त 2020 को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जाकिर खान को। 25 अगस्त 2020 को महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीतकर कौन जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई है? सोफिया पोपियो। 25 अगस्त 2020 को WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया? तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, जो पूरी तरह से अब पोलियो मुक्त हो गया है और ये WHO के द्वारा घोषित किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 26 अगस्त 2020 को दुनिया में सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर कौन बने? हैदराबाद के नीलकंठ भानु को दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बताया गया। 26 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? महिला समानता दिवस। 26 अगस्त 2020 को जारी नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक EPI 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये गुजरात है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। 27 अगस्त 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। 27 अगस्त 2020 को किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है। 28 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर ने किस संगठन के साथ मिलकर कश्मीरी केसर को बढ़ावा देने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल शुरू किया है? तो ये NSEIT लिमिटेड ने किया है। 24 से 28 अगस्त 2020 के बीच
किस विषय के साथ विश्व जल सप्ताह दिवस मनाया गया? तो ये वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन, ये इसकी थीम है विश्व जल सप्ताह की। 28 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? सुश्री सुधा पेनुली को चुना गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020। 28 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के लिए किस लेखिका को सम्मानित किया गया? तो ये मारिके लुकास रिजनेविल्ड है, नीदरलैंड के हैं। पुस्तक का नाम द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर किस राज्य की सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। 29 अगस्त 2020 को T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये ड्वेन ब्रावो बन गए हैं। 29 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान की शुरुआत की है? तो ये दिल्ली की सरकार ने किया है। 29 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? तो ये केरल की सरकार ने शुरू किया है। 30 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में किया जाएगा। 31 अगस्त 2020 को रूस में आयोजित होने वाले किस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास से भारत अलग हटने की घोषणा की है? तो ये काउकाज 2020 से भारत ने अलग हटने की घोषणा की है। 31 अगस्त 2020 को कार्टून श्रृंखला स्कूबाय डू के किस सह निर्माता का निधन हो गया? तो ये जो रूबी हैं। 1 सितंबर 2020 को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियड 2020 का संयुक्त विजेता किसे नियुक्त किया गया? भारत और रूस, भारत है इसलिए इम्पोर्टेंट है। 1 सितंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ बनेगा? गुजरात में। 1 सितंबर 2020 को किस मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज प्रतिस्पर्धा सेकेंड का शुभारंभ किया गया? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। 2 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है? मिशन कर्मयोगी। 2 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व नारियल दिवस मनाया गया? इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। 2 सितंबर 2020 को भारत की प्रथम किस महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया? डॉक्टर एस पद्मावती, ये भारत की पहली थी कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सितंबर 2020 को भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? ये बनी है एम वीरा लक्ष्मी बनी है। 3 सितंबर 2020 को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? उषा पांडे बनी है। 3 दिसंबर 2020 को कौन सा केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुआ? लद्दाख और लक्षद्वीप। 3 सितंबर 2020 को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किसने जीता? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 3 सितंबर 2020 को चर्चित जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं कौन सी होंगी? उर्दू अंग्रेजी डोगरी कश्मीरी और हिंदी, ये 5 भाषाएं अब कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं होंगी। 3 सितंबर 2020 को ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों के 5वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व तो किसने किया? प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। 4 सितंबर 2020 को 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? भारत के पी ईयान ने जीता है। 4 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने पब समेत कितनी चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है? 118। 5 सितंबर 2020 को G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की? सऊदी अरब के द्वारा की गई है। 5 सितंबर 2020 को साउथ इंडियन बैंक का MD एवं CEO किससे बनाया गया है? मुरली राम कृष्णन को। 5 सितंबर 2020 को किस राज्य के विधानसभा ने राज्य की धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया? असम विधानसभा ने। 6 सितंबर 2020 को भारत ने किस देश से अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने हेतु एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दे दिया है? तो ये रूस के साथ किया है। 6 सितंबर 2020 को रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट खरीदने के लिए भारतीय कंपनियों BEML, TPCL और
एलएनटी के साथ कितने रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 2,580 करोड़ 7 सितंबर 2020 को जारी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? आंध्र प्रदेश रहा है। 7 सितंबर 2020 को टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या करने का ऐलान किया है? तो ये वी कर दिया है। 8 सितंबर 2020 को हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बना? भारत। 8 सितंबर 2020 को संविधान की वकालत करने वाले एवं केरल स्थित इडनीर मठ के प्रमुख किस प्रमुख का निधन हो गया? स्वामी केशवानंद भारती का। 9 सितंबर 2020 को किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने। 9 सितंबर 2020 को 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। 9 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? तो ये जयपुर के राजस्थान में किया है। 10 सितंबर 2020 को फैंटसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेयर पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये भुवनेश्वर कुमार व स्मृति मंधाना को। 10 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। 10 सितंबर 2020 को भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर अमेरिका में अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो ये कल्पना चावला है। 10 सितंबर 2020 को वुशु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता है? पूनम खत्री ने। 12 सितंबर 2020 को कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा शहर कौन बना है? दिल्ली। 12 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ दुनिया भर में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया? फर्स्ट एड सेव लाइव्स। 12 सितंबर 2020 को कहां पर भारत में सबसे बड़े सुअर पालन परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो ये मेघालय में किया गया है। 12 सितंबर 2020 को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। 12 सितंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है अभी? तो ये बंगलुरु में किया गया है। 13 सितंबर 2020 को पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वे पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये 13वीं लोकसभा 1996 में निर्वाचित हुए थे। 14 सितंबर 2020 को इमामी लिमिटेड कंपनी के हाइजीन रेंज के उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? जूही चावला। 14 सितंबर 2020 को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बदर दुर्रेज अहमद को किया गया है। 14 सितंबर 2020 को सिटी ग्रुप की पहली सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जेन फ्रेजर को। 14 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है? तो ये ओडिशा की सरकार ने किया है। 14 सितंबर 2020 को फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। 15 सितंबर 2020 को एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये टेको केनिसी को नियुक्त किया गया है। 15 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? अभियंता दिवस, इंजीनियरिंग डे तथा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया गया है 15 दिसंबर को। 15 सितंबर है। 16 सितंबर 2020 को अमेजॉन एलेक्सा को अपनी आवाज देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन बने? तो ये अमिताभ बच्चन बने हैं। 16 सितंबर 2020 को यूरो मनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? आदित्य पुरी को। 16 से 30 सितंबर 2020 के बीच कौन स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मना रहा है? तो ये भारतीय रेलवे मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 सितंबर 2020 को किस कंपनी ने सेबी के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? तो ये टाइटन कंपनी ने किया है। 17 सितंबर 2020 को 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना? इटली के रोम स्थित फिमिसनो एयरपोर्ट। 17 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया? हेल्थ वर्कर सेफ्टी
अ प्रायोरिटी फॉर पेरेंट्स सेफ्टी। 17 सितंबर 2020 को जारी पुरुष फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर है? तो 109वें स्थान पर। प्रथम स्थान पर कौन है? बेल्जियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 सितंबर 2020 को कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? इटली का फ्यूमिनिसो एयरपोर्ट। 18 सितंबर 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। 18 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया? तो सॉल्व वाटर। 18 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? मेक्सिको। 18 सितंबर 2020 को वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर सिंगापुर है। 18 सितंबर 2020 को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो ये सेब विकास खन्ना है। 18 सितंबर 2020 को जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा? तो हैदराबाद रहा है। 18 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। 19 सितंबर को कौन किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया? तो ये अचीविंग अ ट्रीज फ्री कॉस्ट लाइन। 19 सितंबर 2020 को किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं के विस्तार करने के लिए आई लीड टू सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये केनरा बैंक ने किया है। 19 सितंबर 2020 को खेले गए आईपीएल 2020 का पहला मैच किस टीम ने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर जीता है। 19 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। 19 सितंबर 2020 को कहां में कोरोना काल के दौरान दुनिया का पहला खुशियों का म्यूजियम हैप्पीनेस म्यूजियम खोला जाएगा? तो ये डेनमार्क में खोला जाएगा। 20 सितंबर 2020 को किस भारतीय युवा को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया? तो ये उदित सिंगल है। 20 सितंबर 2020 को कौन सा देश जिबूती आचार संहिता में पर्यवेक्षण के तौर पर शामिल हुआ है? तो ये भारत हुआ है, पर्यवेक्षण के तौर पर शामिल किया गया है। 20 सितंबर 2020 को जारी फोर्ब्स रैंकिंग के अनुसार सबसे अधिक वेतन पाने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों में शीर्ष पर कौन है? तो ये लियोनेस मेसी है। 20 सितंबर 2020 को सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने वाले विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किया गया? तो 30% वेतन सांसदों का एक वर्ष के लिए काटा जाएगा। 21 सितंबर 2020 को 72वें पुरस्कारों के तहत आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सक्सेशन को। 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये बिहार राज्य में किया गया है। 21 सितंबर 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी हो गई है? ये 32 हो गई है, ये इम्पोर्टेंट है। 21 सितंबर 2020 को 72वें एमी पुरस्कारों के तहत सबसे ज्यादा पुरस्कार किसे मिला? तो ये है क्रिक को मिला है। 21 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया? लेट्स टॉक अबाउट डेमेंटिया, ये इसका विषय का थीम है, ये इसकी थीम है विश्व अल्जाइमर दिवस की। 22 सितंबर 2020 को माउंटेन एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस महान पर्वतारोही का निधन हो गया? आंग रीता शेर्पा का। 22 सितंबर 2020 को टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2020 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? आयुष्मान खुराना को। 23 सितंबर 2020 को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 23 सितंबर 2020 को सिल्क प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग के किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली को बनाया है। 23 सितंबर 2020 को राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो ये वाराणसी की शिवांगी सिंह बनी है, पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। 23 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया? साइन लैंग्वेज और फॉर एवरीवन। 23 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में एफटीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो
तो ये 74% कर दिया है FDI की सीमा। कोई भी विदेशी कंपनी भारत में 74% FDI कर सकती है। 23 सितंबर 2020 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? सीमांचल दास को। 21 सितंबर 2020 को किन दो देशों के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत की गई है? तो ये भारत और मालदीव के बीच की गई है। 24 सितंबर 2020 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे भारत की महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नीतू डेविड हैं जिन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 24 सितंबर 2020 को भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये डेनमार्क है। 24 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है? तो ये 5 राज्य हैं। 24 सितंबर 2020 को ADB ने राजस्थान के शहरों के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी? 300 मिलियन डॉलर को। तो ये ADB बैंक ने दिया है। 24 सितंबर 2020 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया? किसने ये मौसिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो ये IIT मद्रास ने किया है। 25 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व फार्मासिस्ट दिवस। 25 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोड़ी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये असम सरकार के द्वारा की गई है। 26 सितंबर 2020 को किसने अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन शुरू किया है? तो SBI कार्ड शुरू किया गया है। 26 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया? तो ये 75वां सत्र था संयुक्त राष्ट्र महासभा का। 26 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस। 27 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? तो ये टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम है विश्व पर्यटन दिवस की, और ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस, अन्य कौन से दिवस मनाए गए? तो बेटी दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। 28 सितंबर 2020 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में कौन नामित की गई है? तो एनी कोनी बैरेट को नामित किया गया है। 28 सितंबर 2020 को PATA ग्रैंड अवार्ड 2020 किसने जीता? केरल टूरिज्म ने जीता है। 28 सितंबर 2020 को फार्मूला 1 का रशियन ग्रैंड प्री किसने जीता? वोल्टेरी वोटास ने। 29 सितंबर 2020 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये सुनील सेठी को किया है। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2020 को डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 को किसने लॉन्च किया? तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। 29 अगस्त 2020 को वर्ष 2020-21 के लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? उषा मंगेशकर को। 30 सितंबर 2020 को भारत ने स्वदेशी बूस्टर युक्त किस स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस। 30 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया? सोनू सूद को किया है। 30 सितंबर 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। 30 सितंबर 2020 को महिलाओं को यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली योजना किसने शुरू किया है? तो ये दक्षिण पूर्व रेलवे ने शुरू किया ऑपरेशन मेरी सहेली योजना। 30 सितंबर 2020 को SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक कौन बना? IDBI बैंक बना है। 1 अक्टूबर 2020 को कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो टोटल 14 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है। 1 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो ये गुजरात की सरकार ने किया है। 2 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 टेटे विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये डरबन करेगा। 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए? तो ये जल शक्ति मंत्रालय को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है।
3 अक्टूबर 2020 को केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये पलक्कड़ जिले में किया गया है, केरल के पलक्कड़ जिले में। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया है। 4 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के लिए प्रथम पुरस्कार जीता? गुजरात सरकार ने जीता है। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में किस एथलीट ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो गुजरात ने हासिल किया है प्रथम स्थान। 4 अक्टूबर 2020 को अमेरिकी चुनावों के मद्देनजर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन से संबंधित अभियान का क्या नाम है? तो ये ऑपरेशन मागा नाम रखा गया है। 4 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीता? बिष्टु शिवराज पौंडियान ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता है ये। 4 अक्टूबर 2020 को शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो स्विगी के साथ किया है। 5 अक्टूबर 2020 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रेस 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। 5 अक्टूबर 2020 को किस थीम के साथ विश्व आवास दिवस मनाया गया? हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन, ये इसकी थीम रही है। 7 अक्टूबर 2020 स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को प्राप्त हुआ है। 7 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा? तो ये कल्पना चावला के नाम पे लॉन्च किया जाएगा। भारतीय मूल की ये दिवंगत अंतरिक्ष यात्री हैं और इसके नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया जाएगा। 7 सितंबर 2020 को बिहार चुनाव के लिए विशेष पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मधु महाजन और बी आर बाल कृष्णन को। 7 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कपास दिवस मनाया गया है। 7 अक्टूबर 2020 को किसने एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला? तो ये एवा मोल्टो है। 8 अक्टूबर 2020 को T20 क्रिकेट में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। 8 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ में प्रारंभ किया था। 8 अक्टूबर 2020 को सौर मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा के बालासोर में। 8 अक्टूबर 2020 को क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? टोक्यो में की गई है। 8 अक्टूबर 2020 को कौन सा हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये पुदुचेरी हवाई अड्डा है। 9 अक्टूबर 2020 को UGC ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो टोटल 24 विश्वविद्यालय। 9 अक्टूबर 2020 को किस देश ने TSIRKON हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये रूस के द्वारा किया गया है। 9 अक्टूबर 2020 को मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्लेयर कोनोर को किया गया है। 9 अक्टूबर 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा। 9 अक्टूबर 2020 को यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कटौती हेतु मतदान किया है? तो टोटल 50%। 9 अक्टूबर 2020 को जारी फोर्ब्स सूची में कौन से देश सबसे धनवान व्यक्ति बन गए हैं देश के? तो भारत के मुकेश अंबानी सबसे धनवान व्यक्ति बन गए हैं। 9 अक्टूबर 2020 को भारतीय कपास के लिए किस नाम से पहले ब्रांड और लोगों का लोकार्पण किया गया है? कस्तूरी नाम से। 9 अक्टूबर 2020 को किस लड़ाकू विमान से भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? सुखोई 30 MKI का। 10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल पर ये शुरू किया है? तो ये गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 10 अक्टूबर 2020 को IRCTC ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये अमेजन इंडिया के साथ साझेदारी की है।
10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। 10 अक्टूबर 2020 को किस देश के फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका का है। 10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद को 41वां सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये ओडिशा के हैं। 10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने आदर्श अटल विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड की सरकार ने किया है। 10 अक्टूबर 2020 को के उषा का निधन हो गया। वे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो ये केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। 10 अक्टूबर 2020 को युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? मिंटी अग्रवाल बनी है। 10 अक्टूबर 2020 को किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फार्मूला वन से हटने की घोषणा की? तो ये होंडा ने किया है। 11 अक्टूबर 2020 को किसने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। 11 अक्टूबर 2020 को नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद था। 11 अक्टूबर 2020 को DRDO ने रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया। यह क्या है? तो ये एक ड्रोन मिसाइल है। 11 अक्टूबर 2020 को जर्मनी में आयोजित एफिल ग्रांड प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। 11 अक्टूबर 2020 को भारत के कितने समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो ये टोटल 8 समुद्र तट थे। 12 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? अर्थ राइटिंग डे। 12 अक्टूबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो ये विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का पीएम नरेंद्र मोदी ने सिक्का जारी किया है। 12 अक्टूबर 2020 को किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया? तो ये जर्मनी में लगाया गया। 12 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है? तो ये श्रीकांत दातार हैं। 12 अक्टूबर 2020 को किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है? तो ये फिनो पेमेंट बैंक है। 12 अक्टूबर 2020 को पूरी तरह से डिजिटल हाई टेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये केरल बन गया है और ये पहला हाई टेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 11 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। नेक्स्ट है 13 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेचिफू सुरंग की आधारशिला रखी? तो ये अरुणाचल प्रदेश में रखी है। 13 अक्टूबर 2020 को 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? शोएब मलिक बन गए हैं। 13 अक्टूबर 2020 को किस टीम ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन फाइनल्स 1920 का खिताब जीता? लॉस एंजल्स लेकर्स ने। 13 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये गाजियाबाद है। 13 अक्टूबर 2020 को प्रतिष्ठित सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? हरीश कोटेजा ने जीता है। 13 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की? तो ये हरियाणा की सरकार ने किया है। 13 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने देह विचावा कारिणी नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किसकी आत्मकथा है? तो ये बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा है। 13 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को टैक्स में छूट प्रदान की है? तो ये दिल्ली की सरकार ने छूट प्रदान की है। 14 अक्टूबर 2020 को किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक ने किया है। 14 अक्टूबर 2020 को पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत महिला आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है? तो 33%। 14 अक्टूबर 2020 को किस संस्थान ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल HFC प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये CSIR ने। 14 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया? तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। 14 अक्टूबर 2020 को किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड की सजा देने का
फैसला किया है, तो ये बांग्लादेश की सरकार के द्वारा किया गया है। 14 अक्टूबर 2020 को भारत पे ने कितने क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो 11 क्रिकेट के स्टार को बनाया है। 14 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने मापुसा और पोंडा नामक दो नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया है? तो ये गोवा की सरकार के द्वारा लिया गया है। 14 अक्टूबर 2020 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साल 2021 की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये बर्गेन स्टॉक में किया जाएगा। 14 अक्टूबर 2020 को FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में डाल दिया है? अब तो ये ग्रे लिस्ट में डाला है। 14 अक्टूबर 2020 को किस देश को अगले 2 वर्ष के लिए संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये भारत और फ्रांस है। 15 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन पहल की शुरुआत की है? तो ये ओडिशा ने किया है। 15 अक्टूबर 2020 को किस देश ने अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन इपीवैक कोरोना को मंजूरी दी है? तो ये रूस के द्वारा दिया गया है। 15 अक्टूबर 2020 को कौन सा देश UNHRC का 5वीं बार सदस्य चुना गया है? तो ये पाकिस्तान चुना गया है। 15 अक्टूबर 2020 को किस देश के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयासों के तहत भारत उसे अपनी सिंधुवीर पनडुब्बी देगा? तो ये म्यांमार को देगा। 15 अक्टूबर 2020 को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता? बैंक ऑफ घाना ने। 16 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 36वां स्थापना दिवस मनाया है। 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो ये 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। 16 अक्टूबर 2020 को मशहूर डॉल कंपनी बॉर्बी ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बॉबी डॉल लॉन्च की है? तो ये मानसी जोशी हैं। 16 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की हैं? तो ये टोटल 8 फसलें हैं। 16 अक्टूबर 2020 को किस देश में संघाई सहयोग संगठन के न्यास मंत्रियों की वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये भारत में किया गया है। 16 अक्टूबर 2020 को विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन प्रतियोगिता गिडनिया 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये कांस टेटिना डिटा को चुना गया है। 17 अक्टूबर 2020 को GST मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए उधार दिए हैं? तो 1.1 लाख करोड़ रुपए। 17 अक्टूबर 2020 को जारी लॉसेंट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल हो गई है? तो ये 70.8 साल हो गई है। 18 अक्टूबर 2020 को मार थोमा मेट्रोपॉलिटन का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे मार थोमा ईसाई समुदाय के प्रमुख थे। 18 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा किया गया है। 18 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना ने किस जहाज से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया? INS चेन्नई। 19 अक्टूबर 2020 को हाल ही में किस देश के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है? तो ये न्यूजीलैंड के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है। 19 अक्टूबर 2020 को किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? IDBI बैंक ने। 19 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। 19 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के संरक्षण स्थल आसन को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो ये उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड का है, ये रामसर स्थल दिया गया है आसन स्थल को। अब 19 अक्टूबर 2020 को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ऐश्वर्या श्रीधर। 20 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की? तो ये ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार को मालाबार नौसैनिक में अब शामिल करने की घोषणा की गई है। 20 अक्टूबर 2020 को आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। 20 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के
कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 14.8% की। 20 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? 10%। 20 अक्टूबर 2020 को किस थीम के साथ इंटरनेशनल सेफ डे मनाया गया? हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर, ये इसकी थीम रही है। 21 अक्टूबर 2020 को भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू की गई है? ये हिमाचल प्रदेश में की गई है। 21 अक्टूबर 2020 को भारत का OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में किस स्थान पर भारत रहा है? तो भारत का स्थान दूसरा रहा है। 21 अक्टूबर 2020 को देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? असम राज्य में किया गया है। 21 अक्टूबर 2020 को नासा ने क्षुद्र ग्रह बेनु से नमूने इकट्ठे करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा? तो ये ओसिरिस भेजा है, रेक्स। 21 अक्टूबर 2020 को IPL के इतिहास में लगातार दो मैचों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? शिखर धवन बन गए हैं। 22 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना ने कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्धपोत शामिल किया है? तो ये INS कवरत्ती है। 22 अक्टूबर 2020 को राज्य कृषि कानून को लागू न करने खारिज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पंजाब बन गया है। 22 अक्टूबर 2020 को जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो हरियाणा शीर्ष पर है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में। अक्टूबर 2020 को किस IIT संस्थान ने COVID-19 जांच के लिए कोवी रैप किट विकसित किया है? तो IIT खड़गपुर ने विकसित किया है ये कोवी रैप किट। अक्टूबर 2020 को नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया गया है? तो ये नोकिया का किया गया है। अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो ये अपूर्व चंद्रा है। अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पर 23 अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हिम तेंदुआ दिवस। 23 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के किस डॉक्टर को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया? तो डॉक्टर जैजनी वर्गीस को किया गया है। 23 अक्टूबर 2020 को चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच हेतु किन दो सदस्यीय समिति गठित की है? तो ये हरीश कुमार और उमेश सिन्हा, इन्हें गठित किया गया है इन दोनों के अंतर्गत एक समिति। 24 अक्टूबर 2020 को विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। 24 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन बन गया है? अंडोरा बन गया है। 24 अक्टूबर 2020 को किस देश को 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता मिली है? तो ये भारत को मिली है। अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020 से लेकर 25 तक की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक की सरकार ने किया है नई औद्योगिक नीति की घोषणा। अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? ओडिशा की सरकार के द्वारा किया गया है। अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो ये मंडी है हिमाचल प्रदेश का। 25 अक्टूबर 2020 को किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है। 25 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने आतंकवादियों के आत्मसमर्पण करने पर 1,00,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? त्रिपुरा की सरकार के द्वारा किया गया है। 25 अक्टूबर 2020 को कहां पर पहली बार पंचायती राज अधिनियम अपनाने की मंजूरी दी गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में पहली बार। 25 अक्टूबर 2020 को कहां पर सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है? तो ये गोवा के लिए दिया गया है। 25 अक्टूबर 2020 को FATF ने पाकिस्तान को किस अवधि तक ग्लोबल वॉच डॉग की ग्रे लिस्ट में रखने की घोषणा की है? तो फरवरी 2021 तक। अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने नीम जी ई रिक्शा को विकसित
किया है जिसे दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा। तो ये केरल सरकार के द्वारा किया गया है, केरल राज्य के द्वारा। 26 अक्टूबर 2020 को किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने किया है। अक्टूबर 2020 को किस स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम शुरू किया है? सीबीएसई बोर्ड ने। 26 अक्टूबर 2020 को किसने लॉस वेगास में सीजे कप को जीतकर अपना पहला पीजीए टूर हासिल किया है? तो ये जैसन कोकरक है। अक्टूबर 2020 को पोलैंड के एक चौराहे स्क्वायर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रख दिया गया है। अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है। अक्टूबर 2020 को किस राज्य में बुमला में जोगिंदर वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। 26 अक्टूबर 2020 को सखारोव पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बेलारूसी आंदोलन को किया गया है। इसके नेतृत्वकर्ता श्वेतलाना तिखानोस्काया है। 27 अक्टूबर 2020 को किस विषय के साथ ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस मनाया गया? यूथ योर विंडो टू द वर्ल्ड, ये इसकी थीम रही है। 27 अक्टूबर 2020 को किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये जापान के द्वारा किया गया है। शून्य कार्बन का मतलब जितना कार्बन उत्सर्जित किया जाएगा उतना ही अब्सॉर्ब भी हो जाएगा। 27 अक्टूबर 2020 को कहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो ये इंदौर में की गई है। 27 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में कौन उभरा है? तो ये अमिताभ बच्चन है। अक्टूबर 2020 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 का थीम क्या है? सतर्क भारत और समृद्ध भारत। 27 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की काबरतल आर्द्रभूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो ये बिहार की है, काबरतल आर्द्रभूमि। 28 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। 28 अक्टूबर 2020 को जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। 28 अक्टूबर 2020 को छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ओम बिरला ने किया है। अक्टूबर 2020 को किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी? तो ये गुजरात की सरकार के द्वारा किया गया था, गुजरात की अदालत के द्वारा। 28 अक्टूबर 2020 को वैश्विक कला प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार किसने जीता? अंजार मुस्तीन अली, ये बांग्लादेश के हैं। 28 अक्टूबर 2020 को ई बोर्डिंग को सक्षम बनाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? हैदराबाद एयरपोर्ट। 28 अक्टूबर 2020 को सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है असम। 28 अक्टूबर, ये केरल राज्य है जिसने न्यूनतम समर्थन मूल्य सब्जियों के लिए तय किया है। 28 अक्टूबर 2020 को कहां पर रानी पद्मावती स्मारक बनाने की घोषणा की गई है? तो ये भोपाल में की गई है। 29 अक्टूबर 2020 को तूफान जेटा ने किस देश के लुसियाना राज्य को अपनी चपेट में ले लिया है? तो ये अमेरिका का तूफान था जेटा। 29 अक्टूबर 2020 को कहां पर युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। 29 अक्टूबर 2020 को संघाई सहयोग संगठन SCO की 19वीं बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? भारत के द्वारा। 29 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये ओडिशा की सरकार के द्वारा किया गया है। 29 अक्टूबर 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2020-21 में वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये लुसन बर्गिन स्टॉक में किया जाएगा। 29 अक्टूबर 2020 को किस भारतीय संगठन ने UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिएशन ने ये अवार्ड जीता है। 30 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना ने किस नाम से मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? ये साई, SAI सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट।
30 अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया गया। 31 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अक्टूबर 2020 को UNCTAD के अनुसार इस वर्ष विश्व व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है? तो ये 7 से 9% विश्व व्यापार में कमी आ सकती है। अक्टूबर 2020 को स्पाइस जेट ने कहां पर भारत में पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है? तो गुजरात में किया है। अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय एकता दिवस, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। 1 नवंबर 2020 को नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो जर्मनी में स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है। 1 नवंबर 2020 को भारत के किस रेलवे जोन ने बैक ऑन व्हील्स सेवा शुरू की है? तो उत्तर रेलवे ने किया है ये। नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? तो ये चाइना बन गया है। 1 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। 1 नवंबर 2020 को किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। 1 नवंबर 2020 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मध्य प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 1 नवंबर 2020 को लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये असम बन गया है। 1 नवंबर 2020 को तूफान गोनी से सबसे ज्यादा तबाही किस देश में हुई है? तो ये फिलीपींस में हुई है। 1 नवंबर 2020 को कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बन गया है? तो ये अमेरिका बन गया है। 1 नवंबर 2020 को महिला IPL 2020 संस्करण का टाइटल स्पेंसर, ये क्वेश्चन गलत है, पूरा नहीं है। 1 नवंबर 2020 को किसने 200 किलोमीटर पैदल यात्रा करने वाले फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्घाटन राजस्थान में किया? तो ये किरण रिजिजू हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। 1 नवंबर 2020 को भारतीय मूल की दिया मेहता की फिल्म फनी बॉय किस देश से ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नामित की गई है? तो ये कनाडा से किया गया है। 1 नवंबर 2020 को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? तो ली बेयंग हन ने ये खिताब जीता है। 2 नवंबर 2020 को भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागपुर में किया गया है। 2 नवंबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI विमान से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस का। 2 नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो ये चीन में हुआ है। 2 नवंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा किया गया है। 2 नवंबर 2020 को भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 2 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये सर्व पावर योजना शुरू की है। 2 नवंबर 2020 को किसने इस सीजन के 5वें खिताब एस्ट्रे बैंक ओपन 2020 जीता है? एंड्रे रूबलेव ने जीता है ये। 2 नवंबर 2020 को यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया? तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 2 नवंबर 2020 को न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की कौन सी भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी है? तो ये प्रियंका राधा कृष्णन बनी है। 2 नवंबर 2020 को किस देश ने इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह कराया है? तो न्यूजीलैंड ने कराया है। 2 नवंबर 2020 को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये रहमतुल्ला कुरैसी नियुक्त किए गए हैं। 3 नवंबर 2020 को भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये केरल में हुआ है। 3 नवंबर 2020 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। 3 नवंबर 2020 को साइमन अनहोल्ट और इप्सॉस द्वारा जारी नेशन ब्रांड इंडेक्स में
कौन शीर्ष पर रहा है, कौन सा देश, तो ये जर्मनी शीर्ष पर रहा है। 3 नवंबर 2020 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने किस एयरपोर्ट को 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दे दिया है, तो ये मंगलुरु हवाई अड्डे को दे दिया गया है। 3 नवंबर 2020 को भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है, तो ये MIC रेडवुड बन गई है। 3 नवंबर 2020 को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर किसे चुना गया है, तो ये मोबाइल प्रीमियर लीग को चुना गया है। 4 नवंबर 2020 को कहाँ में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल की शुरुआत की गई है, तो ये देहरादून में किया गया है, देहरादून उत्तराखंड में। 4 नवंबर 2020 को किस देश के खिलाड़ी मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। 4 से 9 नवंबर 2020 तक किस शहर में वीमेन्स T20 चैलेंज 2020 आयोजित किया गया, तो ये शारजाह UAE में किया गया है। 4 नवंबर 2020 को एमेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, दिनेश कात्रे बने हैं। 4 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है, तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। 4 नवंबर 2020 को अमेरिकी आम चुनाव 2020 में न्यूयॉर्क टेस्ट असेंबली के लिए चुने जाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है, जेनिफर राजकुमार बनी है। 4 नवंबर 2020 को भारतीय आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने को किस देश की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो ये नेपाल से, नेपाल की सरकार ने किया है। 5 नवंबर 2020 को विश्व वन्य जीव कोष WWF के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है, तो ये 30 शहरों में पानी का संकट आ सकता है 2050 तक। 5 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर 2020 को अमेरिका ने किस देश को 600 मिलियन डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है, तो ये ताइवान है। 5 नवंबर 2020 को ल्यूक रोची को किस देश के बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये न्यूजीलैंड है। 5 नवंबर 2020 को DRDO ने किस स्थान से पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है, तो ये चांदीपुर ओडिशा से किया गया है। 5 नवंबर 2020 को एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है, हरप्रीत एडी सिंह बनी है। 6 नवंबर 2020 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये नासा ने किया है। 6 नवंबर 2020 को किसने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए JC डेनियल पुरस्कार 2019 जीता है, तो ये हरिहरन ने जीता है। नवंबर 2020 को भारत के किस एयरबेस में 3 राफेल फाइटर्स जेट की दूसरी खेप पहुंची है, तो ये जामनगर एयरबेस पर और पहली अंबाला एयरबेस पर पहुंची थी। नवंबर 2020 को ओपन एरा में 1000 मैच जीत दर्ज करवाने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं, राफेल नडाल बन गए हैं। नवंबर 2020 को कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ है, तो ये अमेरिका हुआ है। 6 नवंबर 2020 को सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, शशिकांत दास के द्वारा की गई है। 6 नवंबर 2020 को बल्लेबाजों की नवीनतम ICC ODI रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है, विराट कोहली है। 6 नवंबर 2020 को सिटी ग्रुप इंक के नए वैश्विक प्रमुख यानी प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आनंद सेल्वा को किया गया है। 7 नवंबर 2020 को इसरो ने कितने उपग्रह के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है, टोटल 10 जिसमें से एक भारत का है, 9 उपग्रह विदेशी है। 7 नवंबर 2020 को संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आरंभ हुआ, ओडिशा में। 7 नवंबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो ये चंदौसी शीर्ष पर रहा है। 7 नवंबर 2020 को किस राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल की शुरुआत की गई है, तो ये असम में किया गया है।
नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र किस राज्य में बना है? केरल में बनाया गया है। 7 नवंबर 2020 को किस बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? तो ये एसबीआई बैंक ने किया था। नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात में किया है। 8 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 8 नवंबर 2020 को अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस खोलने की घोषणा की है? तो ये बेंगलुरु में की है, बेंगलुरु कर्नाटक। 8 नवंबर 2020 को किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के रूप में चुना गया है? तो ये दिलीप रथ हैं। 8 नवंबर 2020 को किसने कोरोना सेंस नो नोटिफिकेशन नामक एक अभियान शुरू किया है? ये हैशटैग कोरोना सेंस नो नोटिफिकेशन, तो ये भारती एक्सा ने किया है। 8 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व मुद्रा भंडार में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो पांचवा स्थान रहा है विश्व मुद्रा भंडार में। नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे? तो ये कतर देश है खाड़ी में। 8 नवंबर 2020 को किसे सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये सरोज पुनाही, उदय माहुरकर और हीरा लाल सामरिया हैं, सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं ये तीनों लोग। 8 नवंबर 2020 को किस राज्य में मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया गया है? तो ये गुजरात के द्वारा किया गया है। 9 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। नवंबर 2020 को विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई? तो ये नटखट है, इसके निदेशक सॉन व्यास हैं। नवंबर 2020 को भारत को पहली बार सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये अरुणाचल में किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। 9 नवंबर 2020 को किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो ये तमिलनाडु को किया गया है। 9 नवंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। 9 नवंबर 2020 को किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता? तो ये ट्रेल ब्लेजर्स हैं और इसकी उपविजेता सुपर नोवास थी। 9 नवंबर 2020 को किस देश को आतंक के प्रायोजक देशों की सूची से हटाया गया? तो ये सूडान है। 9 नवंबर 2020 को किस देश ने दुनिया का पहला G6 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? चाइना ने किया है। 9 नवंबर 2020 को किस अरब ने अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की आज़ादी दी है? तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात ने दिया है। 10 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 10 नवंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है? तो हरियाणा की सरकार के द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा ग्रामीण निकायों में। 10 नवंबर 2020 को कॉलिक्स डिक्शनरी में अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है? तो लॉकडाउन शब्द को चुना है। 10 नवंबर 2020 को जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बने हैं? अजीम प्रेमजी बने हैं। 9 नवंबर 2020 को आलिया जफर किस देश के क्रिकेट बोर्ड में पहली महिला सदस्य के रूप में शामिल हुई हैं? तो ये पाकिस्तान में। 10 नवंबर 2020 को मेरिल वोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया सदस्य संरक्षण किसे नियुक्त किया गया है? माइकल होल्डिंग को। 10 नवंबर 2020 को DDCA का कोषाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शशि खन्ना। 10 नवंबर 2020 को कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना है? तो ये केरल बना है। 10 नवंबर 2020 को किस केंद्रीय मंत्री ने 13वें अर्नब मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया है? तो ये हरदीप सिंह पुरी हैं। 10 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। 10 नवंबर 2020 को किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक एवं
बजटीय प्रश्नों की सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया विदिशा मैत्रा को नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामर बनकर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अरहम ओम तल सानिया ने बनाया है ये रिकॉर्ड। नवंबर 2020 को किसकी अध्यक्षता में 22वें संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो व्लादिमीर पुतिन, और ये रूस के राष्ट्रपति हैं। 11 नवंबर 2020 को किस राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की है? तो मणिपुर के द्वारा किया गया है। 11 नवंबर 2020 को टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन सी है? तो ये कारखानी सांची वारी। 11 नवंबर 2020 को टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राफेल नडाल बन गए हैं चौथे खिलाड़ी। 11 नवंबर 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया? तो यह बहरीन के थे। नवंबर 2020 को 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किन दो देशों ने की? भारत और वियतनाम के द्वारा किया गया है। 12 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। 12 नवंबर 2020 को कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं? कास पटेल बने हैं। 12 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? लोक सेवा प्रसारण दिवस। नवंबर 2020 की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये गुजरात में बनाया जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय। 12 नवंबर 2020 को किस राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया? हरियाणा में। 12 नवंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये गोरखपुर जिले में किया जाएगा। 12 नवंबर 2020 को जारी अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये केरल शीर्ष पर रहा है। नवंबर 2020 को ITTF विश्व महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है? चेन मेंग ने जीता है और इसमें उप विजेता सुन यंगसा है। 12 नवंबर 2020 को भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी वैगिट का कहां जलावतरण किया है? तो ये मुंबई में किया है। 12 नवंबर 2020 को जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स BMI में कौन सा देश टॉप पर रहा है? नीदरलैंड टॉप पर रहा है। 12 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया है? तो ये सिक्किम तक बढ़ाया गया है केसर का उत्पादन। 12 नवंबर 2020 को PM नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का। 13 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। 13 नवंबर 2020 को किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। 13 नवंबर 2020 को किस राज्य के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जिलोक के दत्ता का निधन हो गया? तो ये असम के थे कार्टूनिस्ट। 13 नवंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है ये। 13 नवंबर 2020 को भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? मैसूर में। नवंबर 2020 को कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर प्रकाशित पुस्तक का क्या नाम है? बोस कियाना नाम है। नवंबर 2020 को किस राज्य के CM ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? तो ये हरियाणा प्रदेश के द्वारा की गई है। 13 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 13 नवंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये हुबली में बनाया जाएगा, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। 13 नवंबर 2020 को किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फिलीपींस के द्वारा किए गए हैं। नवंबर 2020 को मेक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? तो ये ग्वाडलहारा है। 14 नवंबर 2020 को किस देश के
सादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है तो ये बांग्लादेश के हैं। 14 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों को मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है तो ये दिल्ली की सरकार के द्वारा किया गया है। 14 नवंबर 2020 को 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व तो किसने किया तो एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। 14 नवंबर 2020 को किसने विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है, अभिजीता गुप्ता को दिया गया है। 14 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने मुखिया ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की है, ये मध्य प्रदेश। 14 नवंबर 2020 को चीन के किस शहर में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो आयोजित किया गया तो ये वुहान शहर में। नवंबर 2020 को किस राज्य ने आदिवासियों के लिए अलग सरना संहिता की मांग करते हुए प्रस्ताव पास किया है तो ये झारखंड के द्वारा किया गया है। 14 नवंबर 2020 को 2020 के लिए किस संस्थान को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया तो ये हेल्प एस इंडिया को किया गया है। नवंबर 2020 को पावरफुल एम फर्स्ट प्रोफेसर चिप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है तो ये एप्पल के द्वारा लॉन्च किया गया है। 15 नवंबर 2020 को राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है तो ये विजय वल्लभ सुरीश्वर। 15 नवंबर 2020 को मैथ लर्निंग एडटेक प्लेटफॉर्म क्यू मैथ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है तो विद्या बालन को किया है। नवंबर 2020 को कहां पर विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है तो ये कोलकाता में की गई है, पश्चिम बंगाल। 15 नवंबर 2020 को किसे कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नरेंद्र बत्रा को किया गया है। 15 नवंबर 2020 को किस बैंक ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया है तो SBI बैंक ने लिया है। 15 नवंबर 2020 को किसने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया तो झारखंड की सरकार ने मनाया है, झारखंड राज्य में। 15 नवंबर 2020 को किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, लोनार झील। 15 नवंबर 2020 को भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 20 प्रशिक्षित सैन्य घोड़े तथा 10 खदान खोजी कुत्ते उपहार में दिए हैं तो ये बांग्लादेश को दिए हैं। 15 नवंबर 2020 को IRCTC ने कब से भारत दर्शन यात्रा शुरू करने की घोषणा की है तो दिसंबर 2020 से किया था। 15 नवंबर 2020 को भारत ने COVID-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है तो ये 1 मिलियन डॉलर। 16 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस एवं राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये दो दिवस मनाए जाते हैं 16 नवंबर को। 16 नवंबर 2020 को चंद्रावती देवी का निधन हो गया, वह किस राज्य की पहली महिला सांसद थी तो ये हरियाणा की थी। नवंबर 2020 को किस राज्य ने 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा की तो UAE ने किया है। नवंबर 2020 को प्रकाशित पुस्तक हाउ टू बी अ राइटर को किसने लिखा है तो ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नवंबर 2020 को किस कंपनी द्वारा वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया, एप्पल के द्वारा। 16 नवंबर 2020 को प्रख्यात पत्रकार लेखक रवि विलगोरी का निधन हो गया, वे किस राज्य से थे तो कर्नाटक से थे। नवंबर 2020 को 8वां ब्रिक्स STI मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व तो किसने किया तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। 16 नवंबर 2020 को अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च करने वाली पहली गैर बैंकिंग कंपनी कौन बनी है तो ये मोबिक्विक बनी है। 16 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने ऑयल पॉम परियोजना की शुरुआत की है तो ये मणिपुर के द्वारा किया गया है। 17 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 17 नवंबर 2020 को किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड। 17 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा की है तो ये ओडिशा की सरकार के द्वारा किया गया है। 17 नवंबर 2020 को किस देश ने नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया तो ये जापान के थे। 17 नवंबर 2020 को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, स्मृति मंधाना को।
17 नवंबर 2020 को चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? सोनू सूद को किया है। 17 नवंबर 2020 को अमेरिकी एरो स्पेस संगठन स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? तो टोटल 4 यात्री हैं उसमें। 17 नवंबर 2020 को किस देश ने 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता की? तो रूस के द्वारा किया गया है। 17 नवंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना की शुरुआत की है? ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। 17 नवंबर 2020 को जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य में एंट्री इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। 17 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 18 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे एसटी के उम्मीदवारों को मासिक वजीफा देने का फैसला किया है? तो ये महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा किया गया है। 18 नवंबर 2020 को महिलाओं को सशक्त करने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने की है? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। 18 नवंबर 2020 को एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। 18 नवंबर 2020 को कहाँ पर भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये हम्पी में की गई है। 18 नवंबर 2020 को फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 को रद्द किया है? तो ये भारत में होने वाला था, अब रद्द कर दिया गया है। 18 नवंबर 2020 को किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंच ओपन 2020 का खिताब जीता है? ऑरियन सबलेको ने। 18 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है। 18 नवंबर 2020 को किस राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदलकर अब जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है। नवंबर 2020 को भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक खाद्य ट्रक को लॉन्च किया है? तो पुणे में किया है। नवंबर 2020 को श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ADPL गुना रत्ने एवं RT वीर द्वारा देना है। 19 नवंबर 2020 को किस भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ऋचा चड्ढा को किया गया है। 19 नवंबर 2020 को किस देश ने 12 देश के आगंतुकों को अस्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है? तो UAE ने किया था। 19 नवंबर 2020 को किस बैंक ने कार्डलेस EMI सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? ICICI बैंक ने। 19 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा किया गया है। 19 नवंबर 2020 को कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना? तो ये विजयनगर कर्नाटक का अब 31वां जिला बन गया है। 19 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना और समर्थ योजना लॉन्च की है? तो ये राजस्थान की सरकार के द्वारा किया गया है। 19 नवंबर 2020 को जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध किस स्थान पर है? तो इसका 63वां स्थान है। 19 नवंबर 2020 को ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? भुवनेश्वर बन गया है। 19 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दर्शन दिवस मनाया गया है। 19 नवंबर 2020 को किसे ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक को। 20 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस। नवंबर 2020 को किस राज्य ने 4 कॉमर्शियल अदालतों की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो ये उड़ीसा की सरकार के द्वारा किया गया है। नवंबर 2020 को किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सूर सरोवर झील है, जिसे रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। 20 नवंबर 2020 को किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो ये जापान में किया गया है। 20 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? तो गिद्ध को बचाने के लिए। नवंबर 2020 को ICC ने महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? 2023 तक।
नवंबर 2020 को विश्व की सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो ये दिल्ली है। नवंबर 2020 को IRDAI के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SN राजेश्वरी को। 20 नवंबर 2020 को जारी विश्व फिरौती भुगतान ग्लोबल रैंसम पेमेंट में भारत की रैंक क्या है? तो सेकंड रैंक है। 21 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व फिशरीज डे मनाया गया है। 21 नवंबर 2020 को भारत ने अगले साल किस देश का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भूटान का। इस देश के खिलाड़ी जेबियर मोसेयानो ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, तो ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। 21 नवंबर 2020 को तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया। 21 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन दिवस। 21 नवंबर 2020 को ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 2 साल का। 21 नवंबर 2020 को ICC ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? तो खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है। 21 नवंबर 2020 को किस शहर के पुलिस स्टेशन ISO 901 2015 सर्टिफिकेशन दिया गया है? तो ये कोहिमा को दिया गया है। 21-22 नवंबर 2020 को किस देश की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो सऊदी अरब की अध्यक्षता में। 22 नवंबर 2020 को भारत के किस हाईकोर्ट ने चचेरे भाई बहन के बीच शादी को अवैध माना है? तो ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने। 22 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नामक नई ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की है? तो ये महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा किया गया है। नवंबर 2020 को राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स NCC ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 72वां स्थापना दिवस मनाया है। 22 नवंबर 2020 को किस सोशल प्लेटफॉर्म ने प्लीट्स नामक नया फीचर शुरू किया है? तो ट्विटर ने शुरू किया था। 22 नवंबर 2020 को भारत सिंगापुर और थाईलैंड के नौसेना के बीच सिटमैक्स 2020 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ शुरू हुआ था? तो अंडमान सागर में। 22 नवंबर 2020 को ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर्स को पार करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कौन बन गया है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 22 नवंबर 2020 को हेल्थ सर्विसेज प्रोडक्ट एवं सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी वाइज का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो विराट कोहली को। 22 नवंबर 2020 को LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया? तो ये आनंद। 22 नवंबर 2020 को नासा ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया? सेंटिनल 6 को। नवंबर 2020 को किस जिले में भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया गया है? तो नैनीताल में किया गया है। 2020 को मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2020। 23 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हर घर नल योजना का उद्घाटन किया? तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में किया गया। 23 नवंबर 2020 को प्रकाशित पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 23 नवंबर 2020 को 14 वर्ष की उम्र में स्नातक पूरा करने वाला पहला भारतीय कौन बना? अगस्त्य जायसवाल। 23 नवंबर 2020 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर ₹2000 का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो दिल्ली की सरकार ने किया था। 23 नवंबर 2020 को कौन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुने गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। 23 नवंबर 2020 को अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पत्नी जिल बाइडेन के लिए एक भारतीय किस भारतीय मूल की महिला को नीति निदेशक पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो ये माला अडिगा हैं। 23 नवंबर 2020 को रिजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड बैकुअर ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की लिस्ट में किस भारतीय शहर को जगह दी है? दिल्ली। 23 नवंबर 2020 को किसे लगातार तीसरी बार दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है?
तो ये अमानतुल्लाह खान हैं जिन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। नवंबर 2020 को किस देश ने घरेलू उपयोग के लिए विश्व की पहली कोविड-19 स्वा परीक्षण किट को मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका ने दिया है। नवंबर 2020 को किस देश ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला किया है? तो ये कनाडा ने किया है। 24 नवंबर 2020 को जारी सूचना के आधार पर कौन सा देश ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका करेगा। 24 नवंबर 2020 को किस राज्य में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया? तो असम में किया गया है। नवंबर 2020 को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक कौन बनाए गए हैं? दीन बंधु महापात्र। नवंबर 2020 को किसे डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डायरेक्टर की उपाधि प्रदान किया गया? तो इसरो के अध्यक्ष के सिवन को प्रदान किया गया। 25 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? विजय कुमार सिन्हा को चुना गया है। नवंबर 2020 को किस टीवी या वेब सीरीज ने 46वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो ये दिल्ली क्राइम ने जीता है। 25 नवंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा? ये कतर करेगा। नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के किस बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है? तो ये DBS बैंक है। 25 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया विश्व मांसाहार दिवस? 25 नवंबर 2020 को आसियान देशों के लिए अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को नियुक्त किया गया है। 26 नवंबर 2020 को एंटोनी ब्लिंकन किस देश के विदेश मंत्री बने? तो ये अमेरिका के बने हैं। 26 नवंबर 2020 को महिला बिग बैस लीग WBBL 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना है? सोफी डिवाइन। 26 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस? नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में सुखजीत मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? पंजाब में। 27 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है। 27 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया भारतीय अंशदान दिवस? नवंबर 2020 को जेम्स वोल्फेंसन का निधन हो गया। वे कौन थे? तो ये विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे। नवंबर 2020 को दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स कौन बन गए हैं? एलन मस्क बन गए हैं। 27 नवंबर 2020 को मिली जानकारी के अनुसार किस देश में चापरे वायरस पाया गया है? तो ये बोलीविया है। 28 नवंबर 2020 को सोंग डैम पेयजल परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा। 28 नवंबर 2020 को किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। नवंबर 2020 को किस पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। नवंबर 2020 को जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में प्रथम स्थान कौन है किसका है? तो ये बेल्जियम का है। 29 नवंबर 2020 को खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? तो ये भारतीय तीरंदाजी संघ है। 29 नवंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? तो ये भारत बना है, चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश। 29 नवंबर 2020 को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया है? तो स्नैपचैट ने लॉन्च किया था। नवंबर 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो ये इजराइल के हैं। 30 नवंबर 2020 को किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो ये जल्लीकट्टू है। 30 नवंबर 2020 को रुचि सोया कंपनी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आचार्य बाल कृष्ण को नियुक्त किया गया है। 30 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है? केरल की सरकार ने। 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है? तो ये कर्नाटक की सरकार के द्वारा किया गया है। दिसंबर 2020 को भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है? ये फिनलैंड के साथ में किया है। 1 दिसंबर 2020 को किस शहर ने बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो बंगलुरु में। दिसंबर 2020 को रोज मार्क क्रिस्टियन काबोर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये बुर्किना पासो के
राष्ट्रपति चुने गए हैं। दिसंबर 2020 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? क्वारंटाइन शब्द को। 1 दिसंबर 2020 को किस ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये बीएसएफ ने मनाया है। 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? नागालैंड ने। दिसंबर 2020 को किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा किया गया है। 1 दिसंबर 2020 को डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वर्षा जोशी को। दिसंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। 1 दिसंबर 2020 को वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अच्युत सामंत को। 2 दिसंबर 2020 को किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो ये तमिलनाडु को घोषित किया गया है। दिसंबर 2020 को बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? पुणे में, महाराष्ट्र। 2 दिसंबर 2020 को जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो ये लाहौर बना है। दिसंबर 2020 को बाटा का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? संदीप कटारिया को। दिसंबर 2020 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन नियुक्त की गई है? प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। 2 दिसंबर 2020 को छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ जैन को। 2 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। दिसंबर 2020 को छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में। 3 दिसंबर 2020 को जारी ICC T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? इंग्लैंड। 3 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो दुबई में किया जाएगा। दिसंबर 2020 को किस देश में जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड की सरकार ने किया है। 3 दिसंबर 2020 को सबसे तेज 12,000 ODI रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। 3 दिसंबर 2020 को किस देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है? जापान ने किया है। 3 दिसंबर 2020 को किस राज्य में विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है? तो असम राज्य ने किया है घोषणा। दिसंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन रहा है? तो सिंगापुर से सबसे ज्यादा FDI आया है। 4 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टेबलेट देने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा की सरकार ने किया है। 4 दिसंबर 2020 को किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? रंजीत सिंह दिसाले को। 4 दिसंबर 2020 को कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग 2020 में किसने टॉप किया है? रोशनी नॉडर ने। 4 दिसंबर 2020 को भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये अमेरिका के साथ किया है। दिसंबर 2020 को किस राज्य ने नोक पोंग सेक मई पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया है? तो ये मणिपुर का है। दिसंबर 2020 को किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हुआ है? तो ये अमेरिका के हैं। 4 दिसंबर 2020 को जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्चतम विश्वास दर कितनी है? 39% है। 5 दिसंबर 2020 को अभिषेक मकवाना का निधन हो गया है। वो कौन थे? तो ये लेखक थे। 5 दिसंबर 2020 को फॉर्च्यून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो शांतनु नारायण एवं अजय बंगा को। 6 दिसंबर 2020 को 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। 6 दिसंबर 2020 को वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहाँ दर्ज की गई? तो ये ब्रिटेन में दर्ज की गई थी। 6 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो ये असम की सरकार ने किया है।
दिसंबर 2020 को किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अमेरिका ने लगाया था। दिसंबर 2020 को सिंगापुर के दैनिक द स्ट्रेट्स टाइम्स ने किसे एशियन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए चुना है? अदार पूनावाला को। किस राज्य में कान्हल गांव को एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र का है। चंद्र की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र कौन बन गया है? तो चाइना बन गया है। 7 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर 2020 को 20 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में। किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है? तो ये PNB बैंक ने किया है। RBI ने किस बैंक को डिजिटल जनरेटिंग गतिविधियां रोकने को कहा है? HDFC बैंक को। भारत के किस राज्य में बिजली वितरण के लिए ADB के साथ 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो ये मेघालय के द्वारा किया गया है। लैब निर्मित मॉस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये सिंगापुर बन गया है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लाइव रूम नामक फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम ने किया है। 7 दिसंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये जापान के द्वारा किया जाएगा। dictionary.com ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये पैंडेमिक। 7 दिसंबर 2020 को किस देश ने अपने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की थी? फिनलैंड ने। किस देश ने मिलेनियर्स टैक्स लगाने की घोषणा की है? अर्जेंटीना ने। फेसबुक समर्पित लिब्रा एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? तो डायम रख लिया है। किस कंपनी ने फॉर्च्यून द्वारा जारी इंडिया 500 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हासिल किया है। 8 दिसंबर 2020 को किस देश ने ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफेन 14 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो चाइना के द्वारा किया गया है। 2021 के एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये श्रीलंका करेगा और 2022 में पाकिस्तान के द्वारा एशिया कप की मेजबानी की जाएगी। तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता है? तो ये राज कमल झा उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए जीता है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इनका 41वां स्थान रहा है निर्मला सीतारमण का। 9 दिसंबर 2020 को FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? बजरंग पूनिया पुरुषों में और इलावेलिन महिलाओं में। 9 दिसंबर 2020 को DDCA ने किसे क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अतुल वासन को। 9 दिसंबर 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार UPI लेन देन के मामले में शीर्ष देश कौन सा रहा है? तो देश में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ये गूगल पे रहा है। 9 दिसंबर 2020 को किस देश ने वैज्ञानिकों के लिए विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया? तो ये चाइना के द्वारा किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सिंगापुर में किया जाएगा। 10 दिसंबर 2020 को किस नर्तक का निधन हो गया? असमद देबू का। शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ओडिशा शीर्ष पर रहा है। किस बैंक ने गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है? तो ये BOB ने किया है। किस देश ने मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है? मारा गोमेज किस देश की है? ये अर्जेंटीना की है। 10 दिसंबर 2020 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? चीन ने किया है। 11 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्वत दिवस। 11 दिसंबर 2020 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो यूनिसेफ ने मनाया है। 11 दिसंबर 2020 को जारी 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किसने टॉप किया है? तो ये सोनू सूद ने किया है। किस देश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ये किस राज्य के? तो ये अरुणाचल प्रदेश के राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। टाइम पत्रिका ने
किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है? जो विडेन एवं कमला हैरिस को 12 दिसंबर 2020 को ओएलए के ईवी व्यवसाय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जूलियन गेफर्ड को 12 दिसंबर 2020 को भारतीय मूल की किस अमेरिकी सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? प्रमिला जायसवाल को चुना गया है। 12 दिसंबर 2020 को आईयूसीएन ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है? तो 31 प्रजातियां हैं। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सोफिया केनिन को किया गया है। 12 दिसंबर 2020 को 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? लक्षद्वीप सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये देहरादून उत्तराखंड में शुरू हुआ है। 12 दिसंबर 2020 को साउथ अफ्रीका टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? क्विंटम डी कॉक को नियुक्त किया गया है। टाइम्स पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे नामित किया है? एरिक युआन को। एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी बन गई है? तो तीसरी भाषा विश्व की हिंदी बन गई है। किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की है? तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। 13 दिसंबर 2020 को जारी ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? विराट कोहली रहे हैं। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है। 13 दिसंबर 2020 को किसे TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स को। दिसंबर 2020 को किस देश में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू हुआ है? तो ये सर्बिया में किया गया है। 14 दिसंबर 2020 को किस देश की सेना ने सेना प्रमुख मुकुंद नरवने को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो ये सऊदी अरब ने किया। 14 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार कौन सा देश मालदीव की जगह हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी करेगा? मेडागास्कर करेगा। 14 दिसंबर 2020 को किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी? अमेरिका ने। विद्या वाचस्पति वाणिज्य का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये लेखक हैं। 14 दिसंबर 2020 को स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किसने किया? ट्विटर ने किया है। दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क शुरू की जाएगी? बांग्लादेश के बीच। दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मिस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ओडिशा के द्वारा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाल देखभाल संस्थान के बच्चों को कितने रुपए मासिक वेतन देने का आदेश दिया है? तो 2000 रुपए। किस देश के विदेश सचिव डोमिनिक रैब 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे? तो ये यूके के थे। 15 दिसंबर 2020 को ओएलए ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु में किया है। ओएलए ने दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा। 16 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने S-400 मिसाइल की खरीद को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये टर्की पर लगा दिया है। दिसंबर 2020 को शाहीन हवाई युद्धाभ्यास पाकिस्तान और किस देश के बीच आयोजित किया गया? पाकिस्तान और चीन के बीच। दिसंबर 2020 को S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये -7.7%। 16 दिसंबर 2020 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये कजाकिस्तान ने मनाया। दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने सरकारी मदरसों और स्कूल संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी दी है? थी तो ये असम सरकार ने किया था। दिसंबर 2020 को ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा कहाँ लॉन्च हुआ था? दिल्ली में। दिसंबर 2020 को फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? काइली जेनर। दिसंबर 2020 को नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, यह किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है।
17 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने YSR की फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना शुरू की है? ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है। दिसंबर 2020 को बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है? रॉबर्ट ने जीता है पुरुषों में और लुसी बॉच महिलाओं में जीता है। 18 दिसंबर 2020 को किस देश ने डोप फ्री खेलों के लिए वाडा को $1 मिलियन देने की घोषणा की है? तो ये भारत को देने की घोषणा की है। 18 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लॉन्च किए गए ई कृषि स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ये बीम है। 18 दिसंबर 2020 को किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने किया है। 19 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने किस देश को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटा दिया है? तो सूडान को। 19 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? नागालैंड ने। दिसंबर 2020 को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। दिसंबर 2020 को किसने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। 20 दिसंबर 2020 को कौन सा देश 2021 में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की 30 करोड़ डोज बनाने की घोषणा कर रहा है, तैयारी कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है। 20 दिसंबर 2020 को किस फुटबॉलर का निधन हो गया? डी एथीराज का। 20 दिसंबर 2020 को एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? शशि शेखर वेम्पति को। 20 दिसंबर 2020 को बिहार का पहला क्लास ब्रिज किस शहर में बनाया गया है? राजगीर में। दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 12 के छात्रों को 1.3 लाख स्मार्टफोन वितरित किए हैं? ये पंजाब की सरकार ने किया है। 20 दिसंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश 2021 में G7 बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो ये ब्रिटेन। 20 दिसंबर 2020 को अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। दिसंबर 2020 को रिकार्डो रिको को किस देश किस खेल से आजीवन प्रतिबंधित किया गया है? साइकिलिंग से। दिसंबर 2020 को किस राज्य ने IBM के साथ मिलकर 30,000 छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो ये तेलंगाना के साथ में। 21 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 21 दिसंबर 2020 को SK सिंघल को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया है? तो ये बिहार का। 21 दिसंबर 2020 को यूनेस्को द्वारा किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये सिंगापुर की है। 21 दिसंबर 2020 को भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। दिसंबर 2020 को डेव वॉट मोर को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये नेपाल के हैं। दिसंबर 2020 को 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सुनील छेत्री बन गए हैं। 21 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने बरसात अभियान शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। 22 दिसंबर 2020 को 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को किसने संबोधित किया? तो ये एस जयशंकर ने किया है। 22 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया है? तो 4 खेलों को। दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने ईसाइयों को दिए जाने वाले अनुदान को 20,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दिया है? तो ये तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। दिसंबर 2020 को भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 3 जीते हैं। दिसंबर 2020 को BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। 23 दिसंबर 2020 को खेल मंत्रालय ने किसे औपचारिक रूप से प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है? योगासन को। दिसंबर 2020 को कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बन गया है? तो ये फ्रांस बन गया है। दिसंबर 2020 को जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट में भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 60%। 23 दिसंबर 2020 को अमेरिका का सबसे सम्मानित अवार्ड लीजन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? PM नरेंद्र मोदी को।
23 दिसंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। 23 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय किसान दिवस। 23 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने जर्मन धर्मांतरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। दिसंबर 2020 को किस फुटबॉलर को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। 23 दिसंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट की मेजबानी करेगा? भारत। दिसंबर 2020 को किस भारतीय संगीतकार को यूके के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? शंकर महादेवन को। दिसंबर 2020 को भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए किस बैंक के साथ $1 अरब ऋण समझौता किया है? तो ये NBD के साथ में किया है। 24 दिसंबर 2020 को डेव वॉट मोर को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये नेपाल को किया गया है। 24 दिसंबर 2020 को न्यू जर्सी के सीनेट के द्वारा किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र को किया गया है। 24 दिसंबर 2020 को ATF अवार्ड में किस खिलाड़ी को फैंस फेवरेट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया? रोजर फेडरर को। 25 दिसंबर 25 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DTS सेवाओं में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी बढ़ा दी है? तो पूरी 100%। 25 दिसंबर 2020 को किस देश ने लगातार 9वीं बार अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है? तो जापान ने बढ़ाया। 25 दिसंबर 2020 को किस वेब सीरीज ने फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो पाताल लोक ने जीता है। 25 दिसंबर 2020 को ONGC ने भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन किस राज्य में लागू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल में लागू किया है। 25 दिसंबर 2020 को भारत के पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। 26 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने जो स्पेस फोर्स बनाई है उसके सदस्यों को क्या कहा? उसके सदस्यों को गार्जियन कहा था। 26 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो का उद्घाटन किया? किस शहर में? तो दिल्ली में किया। ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। 26 दिसंबर 2020 को किस राज्य के उच्चतम न्यायालय में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये त्रिपुरा में किया गया। 26 दिसंबर 2020 को किस देश ने कार्बन मुक्त होने और हरित व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए हरित व्यापार योजना को अपनाया है? तो ये जापान ने अपनाया है। 26 दिसंबर 2020 को किस विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग नामक पहल शुरू किया है? तो ये आयकर विभाग ने किया है। 26 दिसंबर 2020 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सफलतापूर्वक पूरा करने वाला 6ठा राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। 26 दिसंबर 2020 को धर्म परिवर्तन के खिलाफ किस राज्य के मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा दी गई है। 27 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस पूर्वोत्तर राज्य में थुबल बहुउद्देशी परियोजना का उद्घाटन किया? तो मणिपुर में किया है। 27 दिसंबर 2020 को वेयर ए मास्क अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो ये हैदराबाद में शुरू हुआ। 27 दिसंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना कहाँ की जाएगी? ओडिशा में की जाएगी। 27 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार किस शहर के आर्या राजेंद्रन भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनेंगी? तो तिरुवनंतपुरम की। 27 दिसंबर 2020 को अटल बिहारी वाजपेयी को की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? शिमला हिमाचल प्रदेश में। 27 दिसंबर 2020 को किस संस्था ने क्लाउड स्टोरेज सेवा डीजी बॉक्स लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है। 27 दिसंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? गुजरात में। 27 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया? कर्नाटक सरकार ने। 27 दिसंबर 2020 को किस राज्य में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई? मध्य प्रदेश में। 27 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। 28 दिसंबर 2020 को देश की 100वीं किसान रेल किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई? संगोला महाराष्ट्र में है और शालीमार पश्चिम बंगाल के बीच चलाई गई किसान रेल।
पहली 100वीं किसान रेल। 28 दिसंबर 2020 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2030 तक। 28 दिसंबर 2020 को मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? साइने सोनी दिल्ली को। 28 दिसंबर 2020 को किस शहर की पुलिस ने दिल्ली की पाठशाला नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये फरीदाबाद। 28 दिसंबर 2020 को आई रिपोर्ट के अनुसार कितने यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रोक पाया गया? तो 8 देशों में। ये पूछा नहीं जाएगा कि नया स्ट्रोक कहाँ पाया गया। 29 दिसंबर 2020 को किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? अमेरिका ने 2026 तक। 29 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है? तो ये बिहार ने जीता है। 29 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल का गठन करने का निर्णय लिया? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। 29 दिसंबर 2020 को जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बन गई है? तो पूजा देवी। दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। दिसंबर 2020 को किस देश के टेनिस खिलाड़ी तैमूर इस्माइलोव पर 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये उज्बेकिस्तान के हैं। 30 दिसंबर 2020 को तानसेन संगीत समारोह कहाँ शुरू हुआ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। दिसंबर 2020 को भारत ने कितने राज्यों में कोरोना वायरस के टीके के लिए ड्राई रन चलाया था? तो ये 4, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम। 30 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने सभी राज्य संचालित मदरसों को बंद करने के लिए एक बिल पेश किया? तो ये असम की सरकार के द्वारा किया गया है। 30 दिसंबर 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की? तो असम के सिलचर में। 31 दिसंबर 2020 को किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। 31 दिसंबर 2020 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? मैं भी डिजिटल। 31 दिसंबर 2020 को भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है? केरल की आर्य राजेंद्रन बनी है। 31 दिसंबर 2020 को भारत का पहला पोलिनेटर पार्क किस राज्य में बना है? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। 31 दिसंबर 2020 को तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना? मेईलादुथुराई बना है। 31 दिसंबर 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित पहले स्वदेशी निमोनिया के टीकों को लॉन्च किया। टीके का नाम क्या है? न्यूमोसिल नाम है। 31 दिसंबर 2020 को रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये असम में किया गया है। 31 दिसंबर 2020 को रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा दिया है? तो एल एन टी डिफेंस को। 31 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने सभी राज्य संचालित मदरसों को समाप्त करने और सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए विधेयक पारित किया? तो ये असम की सरकार ने किया। दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र के किस आदिवासी शहर में मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है? जौहर ने। 31 दिसंबर 2020 को ग्लोब सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसने जीता? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। 31 दिसंबर 2020 को प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? वी के यादव को। 31 दिसंबर 2020 को किस बैंक ने खुदरा ग्राहकों को लोन देने के लिए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। केंद्र सरकार ने किसे अगले 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? नागालैंड को। दिसंबर 2020 को किस देश ने 5 आईज के 5 देशों वाले गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए? तो ये जापान ने दिया। दिसंबर 2020 को भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लेह में। दिसंबर 2020 को किस फूल की नई प्रजाति को पोर्टुलका लालजी खोजी गई है? किस फूल की नई प्रजाति पोर्टुलका लालजी खोजी गई है? तो ये सनरोज की है। इस वीडियो में हमने दिसंबर तक के, मार्च से लेकर दिसंबर तक के सभी जो भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लाइनर क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, वो सभी डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में मैं आपको जनवरी महीने के सभी करंट अफेयर एक ही वीडियो में करा दूंगी। तो इस वीडियो में बस इतना।